मैं गलत था, उन्होंने टूर्नामेंट का 48वां छक्का मार दिया। गुजरात जायंट्स 78 एक विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में। लगता है गुजरात जायंट्स ने भी कहा है कि हम भी पीछे नहीं है, हम भी करेंगे 200 इस मुकाबले में। और क्या छक्का मारा है। एक बड़ी अच्छी बात इस खिलाड़ी की कि सर झुकाकर शॉट्स खेलती हैं, यानी कि गेंद को हवा में अगर उठना है तो लंबाई लेगी गेंद, बल्ला खुलेगा नहीं, बहुत क्लोजिंग शॉट्स खेल रही है, यानी कि अच्छी ग्रिप है, अच्छी टेक्निक। ओवर की 5वीं गेंद, श्रीलंका ने अपना छोर बदल दिया, ओवर द विकेट आ गई डंकली के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेला, काउ कॉर्नर के बाद 4 रन जाएंगे। क्या हो गया है, माता रानी आ गई है इस इंग्लिश खिलाड़ी के अंदर। इकबाल जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रही हैं और लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं इस वक्त सोफिया डंकले। और आनन फानन में अपना स्कोर उन्होंने 65 पर पहुंचा दिया है, महज 27 गेंदों का सामना करने के बाद। इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा स्कोर अब तक का 90 रन का है, जो कल उन्होंने तहलिया मगरा ने बनाया था यूपी वॉरियर्स की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए। आज उनको टापने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है और सेंचुरी मारने का भी मौका है उनके पास। इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को हवा में उछाल कर खेला और वहां पर कैच कर लिया, और इसके साथ ही आउट हो गई है सोफिया डंकली। कॉमेंटेटर्स कर्ज 65 रन बना करके जब लग रहा था कि बहुत बड़ी पारी खेलने जा रही हैं, लॉन्ग ऑफ पर उछाल कर छक्का मारने के लिए गई, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़ी हुई एलिस पेरी ने कोई गलती नहीं की, कैच कर लिया और इसके साथ ही दूसरा विकेट गुजरात जायंट्स ने गंवा दिया है अपना। और इस वक्त रनों की संख्या है 82 दो विकेट के अब नुकसान पर। लेकिन जो भी हो, 65 रनों की एक उम्दा पारी खेलने के बाद वापस जा रही हैं बल्लेबाज सोफिया डंकले, और यकीनन जिस प्रकार की ये पारी है वो पारी टीम को उठाने वाली है। गुजरात की टीम पिछले मुकाबले में एक जीता हुआ मुकाबला हार गई थी यूपी वॉरियर्स के खिलाफ, और उस हार ने बड़ी टीस दी होगी, बड़ी तकलीफ दी होगी, लेकिन जिस प्रकार की पारी अभी अभी खेली है सोफिया डंकले ने, इस पारी ने यकीनन बहुत बहुत राहत की सांस दी है। हालांकि बल्लेबाजी की अगर बात करें तो काफ़ी बल्लेबाजी है गुजरात के पास। आपकी स्क्रीन पर गुजरात की प्लेइंग 11 मैं लेकर के आ रहा हूं, और ये देखिए अब गुजरात की प्लेइंग 11, स्नेह राणा, डंकले, मेघना, हरलीन देवल, सुषमा वर्मा, हेमलता, गार्डनर, सदरलैंड, ये तमाम बल्लेबाज हैं जो कि बल्लेबाजी कर सकती हैं। तो बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है गुजरात के पास इस मुकाबले में। 8 ओवरों के बाद 2 विकेट पर 82 है गुजरात जायंट्स का स्कोर। फिलहाल अभी अभी विकेट गिरा है सोफिया डंकले का, जिन्होंने 65 रनों की एक बहुत ही तूफानी पारी खेली है, और ये 65 रन उन्होंने बनाए बहुत ही कम गेंदों पर। और अब नई बल्लेबाज मैदान पर आई हैं, एशली गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखती हैं, बहुत ही उम्दा बल्लेबाज हैं, आक्रामक बल्लेबाज हैं, अब वो मोर्चा संभालने के लिए आई हैं। एशली गार्डनर ने पिछले मुकाबले में जो यूपी वॉरियर्स के खिलाफ खेला गया था अच्छी पारी खेली थी, और इस वक्त वो मैदान पर हैं। 3430 रन बना चुकी हैं T20 फॉर्मेट में, और एवरेज उनकी लगभग 24 की है, और 50 जो है उन्होंने T20 करियर में 18 बार बनाए हैं। तो बल्लेबाजी काफ़ी जानती हैं एशली गार्डनर, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज हैं और ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जितने भी इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं, तमाम एक से एक बढ़कर धुरंधर हैं, एक से बढ़कर एक दिग्गज हैं, और ऐसे में यहाँ पर उम्मीद की जा रही है एशली गार्डनर से। गुजरात के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि एक बढ़िया पारी खेलेंगी। जो मोमेंटम आज सोफिया डंकले ने दिया है, उस मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है, और इस वक्त गेंदबाजी के लिए आ रही हैं एलिस पेरी। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप पर थी और इस गेंद को घुमा दिया फाइन लेग की दिशा में, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर बाउंड्री लाइन पर, और एक रन सिर्फ लेने का मौका वहां बल्लेबाज के पास। इस एक रन की मदद से हरलीन देवल पहुंची 10 की रन संख्या पर, और स्कोर हो गया गुजरात जायंट्स का 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रीति बोस, जो कि स्क्वायर लेग पर फील्डिंग कर रही थी, अपनी दाहिनी तरफ भागते हुए गेंद को उन्होंने डाइव लगाकर रोका था, अच्छा क्षेत्र रक्षण, वरना एक और चौका मिल सकता था गुजरात जायंट्स को। 83 दो विकेट के नुकसान पर गुजरात। पारी का 9वां ओवर चल रहा है इस वक्त,
चार खिलाड़ी बाउंड्री की ओर नजर आ रहे हैं, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग पर एक थर्ड मैन और एक खिलाड़ी को पॉइंट बाउंड्री पर तैनात किया गया। अगली गेंद फुल टॉस, इस गेंद को हवा में उछाल कर खेला, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर के पास गेंद पहुंची, एक रन मिला। क्या नो बॉल तो नहीं है ये गेंद? जी हाँ, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का और एक अतिरिक्त रन और यहां पर मिलता हुआ न सिर्फ गुजरात जायंट्स को बल्कि अगली गेंद फ्री हिट भी होगी आसिम। जी हाँ, बीमर कर बैठी थी, कुछ ज्यादा ही रफ्तार के प्रयास में थी और इस वक्त हरलीन देओल, क्योंकि एक रन जरूर लेकर अपने छोर को बदल दिया था एशले गार्डनर ने, तो हरलीन देओल को फ्री हिट गेंद मिलेगी और उनके पास मौका होगा कि बल्ला भाग सकें। एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर और सामने थी बल्लेबाज एशले गार्डनर। चलें फ्री हिट डिलीवरी लेकर एलिस पेरी, दाएं हाथ से पटकी हुई गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को कवर्स में बस प्लेस कर दिया हरलीन देओल ने एक रन के लिए। कोई आक्रामक शॉट नहीं खेला, कुछ अप्रत्याशित रूप में रिस्क नहीं उठाया, क्योंकि इस पर कैच आउट होना, बोल्ड होना, LBW आउट होना बिल्कुल भी प्रतिबंधित है एक तरह से, तो ऐसे में एक आराम से कवर्स में शॉट खेला गया। श्रीलंका ने कितनी बड़ी विकेट हासिल की, डंकली का विकेट हासिल किया है और एक ऐसे खिलाड़ी जिसने 65 में से 62 रन चौके और छक्के से बनाए थे। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ दिया, फुल डिलीवरी थी, ब्लॉक होल में थी और गार्डनर की इस सिंगल की मदद से गुजरात जायंट्स का स्कोर 87, 2 विकेटों के नुकसान पर। 120 किलोमीटर की रफ्तार से पिछली गेंद फेंकी थी एलिस पेरी ने। काफी सजी बजी टीमें हैं, सदरलैंड, एनाबेल सदरलैंड का भी आना बाकी है इस मुकाबले में और आप अभी उम्मीद कर सकती हैं कि कुछ फायर पावर गुजरात जायंट्स लोअर डाउन दी ऑर्डर भी दिखाएगा। एलिस पेरी इस दरमियान ओवर की चौथी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, पुल करने की कोशिश, बाउंसर जाती हुई, हरलीन देओल अंपायर की तरफ देखती हुई कि सर के ऊपर नहीं थी क्या सर, क्या ये वाइड नहीं थी क्या सर, अंपायर ने इशारा किया कि नहीं, नो मैन, 87, 2 विकेट के नुकसान पर, नहीं बेटी नीचे थी क्योंकि जिस तरह के अंपायर हैं उनके सामने बिल्कुल बेटी जैसी ही नजर आ रही है। हरलीन देओल 87, 2 विकेटों के नुकसान पर 8.4 ओवर्स के बाद स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, 12 गेंदों में 11 रन बनाकर। सामने एलिस पेरी, चली ये गेंद ब्लॉक होल में, बहुत उम्दा डिलीवरी और इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलने की कोशिश की, खदेड़ा गेंद को, बल्ले की जड़ में आई, कोई रन नहीं मिलेगा। एलिस पेरी का ये तीसरा ओवर, 19 रन दिए, कोई सफलता नहीं। इस ओवर में एक फ्री हिट डिलीवरी भी दी थी, नो बॉल भी की थी, बीमर किया था उन्होंने। हमारे साथ CPL है और शायद बांग्ला में उनका नाम है जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, रॉयल कॉमेडी शिवा मुंबई से हमारे साथ हैं और इस वक्त 9वें ओवर की अंतिम गेंद आनी है। हरलीन देओल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, 13 गेंदों का सामना है, 11 रन बनाए हैं और सामने एलिस पेरी की तेज रफ्तार गेंदबाजी। अंतिम गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत उम्दा, क्या शॉट खेला, एक टप्पे के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए सचिन तेंदुलकर का ट्रेडमार्क शॉट खेल दिया हरलीन देओल ने। गेंद को पहुंचाया नॉन स्ट्राइकर के सर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से पहुंची हरलीन 15 पर, गुजरात का स्कोर 91 9 ओवर्स के बाद। लगातार 10 रन प्रति ओवर से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी का सामना हो रहा है, यानी रन बन रहे हैं और ये बल्लेबाजी गुजरात जायंट्स को जरूर 200 रन दे सकती है आज, अगर उनकी विकेटें महफूज रही, सही सलामत रही। हमारे साथ हर्ष गुप्ता कहते हैं होली की शुभकामनाएं चित्रकूट धाम से, आपको भी बहुत शुभकामनाएं हर्ष गुप्ता जी। चंद्रशेखर राजपूत, मोहम्मद सैयद शेख, जितेंद्र, हारून रशीद, शमशाद अंसारी, मार्मिक पराशर, ये साथी हमारे साथ। एश गार्डनर एक बार फिर से स्ट्राइक पर और गेंदबाजी के लिए श्रीलंका, राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर फुल डिलीवरी, ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ, पीछे से फील्डर ने दौड़ लगाई, जब तक सोफिया डिवाइन गेंद को थ्रो करेगी, एक रन लेने का मौका, बल्कि मेगा शूट थी वहां पर और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92, 2 विकेटों के नुकसान पर। स्क्रीन पर सानिया मिर्जा इस वक्त बातचीत कर रही हैं, टीम बेंगलोर की मेंटोर हैं और इनके मेंटोरशिप को लेकर सवाल उठे थे कि टेनिस खिलाड़ी कैसे क्रिकेटर्स को मेंटोर करेंगी। इस बीच बहुत उम्दा ड्राइव, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग, इस बार रेणुका सिंह ठाकुर ने गेंद को रोका और रन आउट का खतरा, लेकिन पहुंच चुकी हैं अपनी क्रीज में सही सलामत, ऐसा लग रहा है एशले गार्डनर। तो क्या हरलीन देओल ने सिंगल पूरा कर लिया? 92, 2 विकेटों के नुकसान पर
दरअसल ऐसा है असीम कि वहां पर बल्लेबाज दोनों निकली थी सिंगल के लिए, लेकिन जब देखा कि फील्डर वहां पर झपट गई हैं तो ऐसे में दोनों ने वापस अपने अपने कदम खींचे थे क्रीज के अंदर, और जो थ्रो आया था विकेटकीपर वाले छोर पर, ऋचा घोष बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही हैं फील्डर से, और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त रेफर किया गया है फैसला, लगता है कि बल्लेबाज के पक्ष में आएगा, नॉट आउट रहेंगी बल्लेबाज। एशले गार्डनर संभवतः वहां पर थी, लेकिन डिसीशन अभी पेंडिंग है। लगातार तीसरे अंपायर जो है इस वक्त हर एक कोण से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में बहुत आगे बल्ला रगड़ खाते हुए जा चुका था बल्लेबाज का, और ऐसे में रनआउट का जो यहाँ पर फैसला है वो नॉट आउट का होगा। रनआउट की जो अपील की गई थी उस पर तीसरे अंपायर का निर्णय नॉट आउट का आ भी गया है, और ऐसे में कोई नुकसान नहीं। एशले गार्डनर, एक रन वहां पर मिल गया हरलीन देओल को, और एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 93 दो विकेट के नुकसान पर गुजरात जायंट्स का। इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार गेंदबाज, और इस बार गार्डनर ने इस गेंद को ऑन साइड में घुमाया, मिड विकेट की दिशा में गोली की रफ्तार से गेंद जा रही है, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन मौजूद। सिर्फ एक रन मिलेगा, और इस एक रन की मदद से गार्डनर पहुंच गई हैं अब 4 की रन संख्या पर, और स्कोर हो गया है गुजरात जायंट्स का 94 दो विकेट के नुकसान पर। जहां तक सानिया मिर्जा का सवाल है आसिम, उनसे ये सवाल पूछा भी गया आज प्री मैच में, तो उन्होंने कहा है कि हाँ बेशक मैंने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में मेरा वो रहा है। इस बीच अगली गेंद पर एक और सिंगल आया, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 95 दो विकेट के नुकसान पर। उन्होंने कहा कि हमारा जो योगदान रहा है वो ज़्यादातर इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्पर्धा में ये कॉम्पीट करती रही हैं, लेकिन टीम्स के साथ जुड़ना उनके लिए भी एक लर्निंग कर्व रहा है, और ये अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है। कॉम्पिटिटिव स्तर पर जो टूर्नामेंट्स उन्होंने खेली वो उसका एक्सपीरियंस साझा कर रही हैं खिलाड़ियों के साथ। अगली गेंद को ऑन साइड में निकाला मिड विकेट पर, एक सिंगल और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 96 दो विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट के बारे में तो सानिया मिर्जा कुछ भी इनपुट नहीं देती हैं, और ना ही उन्होंने ये कहा भी है कि क्रिकेट को लेकर के मेरा कोई इनपुट नहीं है, लेकिन मेंटल कंडीशनिंग की जहां तक बात आती है, फिटनेस की बात आती है, इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर मैं अपना इनपुट देती हूँ। अगली गेंद फुलर लेंथ की थी, ऑन साइड में स्वीप किया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर, एक रन मिलेगा, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब हो गया है 97 रन दो विकेटों के नुकसान पर, और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ यहां पर 10 ओवर के बाद 97 पर 2 गुजरात जायंट्स। हरलीन देवल खेल रही हैं 18 पर, और एशले गार्डनर ने 5 गेंदों पर 5 रन बनाए हैं। श्रेयंका पाटिल 2 ओवर में 17 रन और एक सफलता उनके खाते में। जी हाँ, और 17 रन जरूर उन्होंने दिए, लेकिन एक बहुत बड़ी डंकली की विकेट उन्होंने हासिल की है, और इस वक्त बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी गुजरात जायंट्स ने की है, और 10 ओवर्स के बाद तकरीबन 100 रन यानी 97 दो विकेटों के नुकसान पर टीम का स्कोर है। इस वक्त 11वें ओवर की शुरुआत होने को है। हरलीन देओल की बल्लेबाजी ने एक चीज़ ज़रूर दिखाई है कि वो आज थोड़ा सा स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही हैं, आक्रामक खेलने की कोशिश कर रही हैं। आज उनकी बल्लेबाजी जो है वो जारहाना होने वाली है, और जिस तरह का पहले ओपनर्स ने जिस तरह का इम्पिटस दिया है, जिस तरह का मोमेंटम दिया है, उसको कैरी फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी वो उठा रही है 17 गेंदों में 18 रन बनाकर। 11वें ओवर की शुरुआत, रेणुका सिंह ठाकुर पहली गेंद क्रीज के कोने से ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत उम्दा ड्राइव लेकिन सीधा कवर फील्डर के हाथों में। ठाकुर के पास मौका कि वो थोड़ी वापसी कर सकें, 2 ओवर्स में 21 रन दिए महंगी साबित होती हुई नजर आई हैं 2.1 ओवर की गेंदबाजी में, और 97 पर 2 गुजरात जायंट्स का स्कोर। एश गार्डनर 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर बल्लेबाजी करती हुई, और ठाकुर ओवर की दूसरी गेंद लेकर दौड़ना शुरू करती हुई चली क्रीज के कोने से। इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन अच्छी गेंद थी ब्लॉक होल में, और इस गेंद पर बल्ला सही समय पर नीचे नहीं आया, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, पहुंची विकेटकीपर के दस्ताने में। बढ़िया शुरुआत होती हुई। इस वक्त रेणुका सिंह ठाकुर 11वां ओवर कराने के लिए आई हुई हैं, और 2 गेंदें उन्होंने की हैं, कोई रन नहीं दिया है। अच्छी शुरुआत होती हुई बैंगलोर के लिए कुछ खुशी के पल, इन 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बने। ओवर की तीसरी गेंद, सामने हरलीन देओल, दाएं हाथ की बल्लेबाज, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हिमाचल और पंजाब की खिलाड़ियां यहां पर। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर से बहुत उम्दा 4 रन, ऑफ स्टंप के बाहर से मीडियम पेसर को घुटने टेक कर स्वीप कर दिया, और उसकी वजह क्या थी कि गेंदबाज ठाकुर ने इस गेंद को धीमी गति से फेंका 80 किलोमीटर की रफ्तार से, और इसको भाप गई हरलीन देओल, घुटने टेके गेंद को पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर।
चार रनों के लिए। अच्छी शुरुआत को नजरअंदाज करती हुई बल्लेबाज हरलीत देओल, बढ़िया पारी हरलीत देओल गुजरात जायंट्स के लिए खेलती हुई। ओवर की चौथी गेंद के साथ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को कवर्स में खेलकर एक रन पूरा कर लेंगी बल्लेबाज। पीछे प्रोटेक्शन मौजूद है और स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ गुजरात जायंट्स का 102 दो विकेटों के नुकसान पर। यह 11वां ओवर चलता हुआ, गार्डनर 5 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 2.4 ओवर की गेंदबाजी में रेणुका ठाकुर ने 26 रन दिए। इस ओवर की पांचवी गेंद लेकर आएंगी रेणुका सिंह ठाकुर, 11वां ओवर कराने के लिए आई हुई हैं और इस वक्त पांचवी गेंद का सामना करेंगी एशले गार्डनर। आप क्रिकेट अनफोल्ड और क्रिकेट एस पर हमें सुन रहे हैं। इस बीच बहुत उम्दा शॉट, बारी किनारा, तेज बल्ला लगा, 4 रन मिल गए। ठाकुर साहब को रन पड़ते ही जा रहे हैं और एक और महंगा ओवर रेणुका सिंह को दूसरा चौका इस ओवर में पड़ा। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर गेंद, व्हेन यू स्लैश स्लैश हार्ड, और एशले गार्डनर की भुजाओं में ताकत भी है। चौका मिलता हुआ, काफी ज्यादा विड दी, बहुत ज्यादा विड दी थी, 4 रन मिलते हुए 106 गुजरात जायंट्स के स्कोर में तेज रफ्तार से इजाफा। ओवर की अंतिम गेंद, एशले गार्डनर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, क्रीज के कोने से फेंकी हुई गेंद, इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, एक रन आएगा, ओवर समाप्त होगा। और इसी के साथ 11 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद गुजरात जायंट्स 107 दो विकेटों के नुकसान पर। हरलीन देओल 23 रन बनाकर, एशले गार्डनर 10 रन बनाकर, रनों की रफ्तार तकरीबन 10 रन प्रति ओवर, 9.7 रन प्रति ओवर इस वक्त चलती हुई। और गुजरात जायंट्स ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की अपनी पहली पारी की बल्लेबाजी से। आप सुन रहे हैं क्रिकेट अनफोल्ड और क्रिकेट एस। अगर आपने पहली बार ट्यून इन किया, कॉमेंट्री अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, यहां से लगातार आपको कॉमेंट्री सुनने को मिलती रहेगी। क्रिकेट अनफोल्ड पर, क्रिकेट एस पर, आने वाले दिन इकबाल स्पोर्ट्स पर भी हम लाइव रहेंगे भारत के चौथे टेस्ट में मुकाबले के साथ, जहां ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। बिल्कुल, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा चौथा, और चौथे टेस्ट मैच का कल पहला दिन होगा। और कल हम इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड दोनों पर कल सुबह 9:15 आपके लिए उपस्थित होंगे लाइव कमेंट्री लेकर के। और कल का जो टेस्ट मैच जो शुरू हो रहा है गुजरात में, यानी कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट मैच है। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, और इस पहली गेंद को ड्राइव किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन मिलेगा एशले गार्डनर को, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन एशले गार्डनर का, और गुजरात का स्कोर 108 रन दो विकेट के नुकसान पर। और क्या नज़ारे होंगे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी टॉस करेंगे, नरेंद्र मोदी जी कमेंट्री भी करेंगे, और कहीं ओपनिंग भी ना कर दें मोदी जी। बहरहाल 12वें ओवर की इस वक्त गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को कवर्स में खेला, फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को रोका लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 108 दो विकेटों के नुकसान पर मेगन शूट गेंदबाजी के लिए आई है। गेंदबाजी पक्ष अभी तक इकबाल बैंगलोर का कमजोर नजर आ रहा है, और निश्चित तौर पर इससे दबाव बन जाता है जब आप रन खर्च कर देते हैं, और उसमें सबसे कमजोर कड़ी रेणुका ही साबित हो रही है। बिल्कुल सही बात है, बहुत कमजोर गेंदबाजी रही है। अगली गेंद मेगन शूट की, और इस बार इस गेंद कौन साइड में खेल दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, एक रन पूरा किया, एक ही रन मिलेगा, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ गुजरात जायंट्स का 110 रन दो विकेट के नुकसान पर। गार्डनर इस सिंगल की मदद से अब पहुंचती हुई 12 की रन संख्या पर, और स्कोर हो गया है गुजरात जायंट्स का अब 110 रन दो विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार गेंदबाज मेगन शूट, और इस बार गेंद को हवा में उछाल कर खेल दिया, और गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, छक्का हरलीन देओल के बल्ले से निकलता हुआ, एक जोरदार झन्नाटेदार छक्का, और इस छक्के की मदद से हरलीन देओल पहुंच गई है अब 30 की रन संख्या पर, और स्कोर हो गया है गुजरात जायंट्स का 116 रन दो विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के सामने फुलर लेंथ की गेंद थी, और इस गेंद को ऑन साइड में उछाल दिया था, हालांकि स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक फील्डर मौजूद थी, लेकिन ठीक उनके सर के ऊपर से बाउंड्री के उस पार जाकर गेंद गिरी। इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार मेगन शूट, और इस बार लेग स्टंप की तरफ हटते हुए रूम बनाकर कट किया, लेकिन सीधे गेंद पहुंची पॉइंट पर खड़ी फील्डर के पास, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं बल्लेबाज हरलीन देओल के पास। हरलीन देओल 24 गेंदों पर 30 रन बनाकर एक छक्का और तीन चौकों की मदद से, जबकि एशले गार्डनर ने 9 गेंदों पर 12 रन बनाए हैं
और उन्होंने एक चौका लगाया है अपनी पारी में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल क्रिकेट अनफोल्ड और क्रिकेट एस पर। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बीच अगली गेंद को खेल दिया और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका, एक और बाउंड्री हरलीन देवल के नाम। और इस चौके के साथ अब स्कोर हो गया है गुजरात जायंट्स का 120 रन दो विकेट के नुकसान पर। और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ 12वां। 12 ओवरों के बाद गुजरात जायंट्स ने 120 रन बनाए हैं और दो विकेट गंवाए हैं। हरलीन देवल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, 25 गेंदों पर 34 रन बनाकर वो बल्लेबाजी कर रही हैं। 136 का उनका स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है इस मुकाबले में। पार्टनरशिप की बात करें तो इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में तीसरे विकेट के लिए 38 रनों की साझेदारी हुई है। 25 गेंदों पर यह साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों ने, एशले गार्डनर और हरलीन देवल ने की है। बढ़िया पार्टनरशिप पनपती हुई तीसरे विकेट के लिए। आने वाले बल्लेबाजों में अभी एनाबेल सदरलैंड, सुषमा वर्मा, दयालन हेमलता, स्नेह राणा, किम गार्थ, ये तमाम बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी कर सकती हैं। नए ओवर की शुरुआत प्रीति बोस के द्वारा, पहली गेंद, और इस पहली गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर एशले गार्डनर ने। रन बनाने का कोई मौका नहीं। एशले गार्डनर आज बहुत ज्यादा कोई बढ़िया टच में नजर नहीं आ रही हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक नजर नहीं आई हैं, वो टाइम नहीं कर पा रही गेंदों को। अगली गेंद प्रीति बोस की, और इस बार इस गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए हवा में उछाल कर खेला, एक टप्पे के बाद गेंद मिली लॉन्ग ऑफ के फील्डर को, जब तक वहां पर गेंद को रोका जाएगा। एक रन और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब गुजरात जायंट्स का 121 रन दो विकेट के नुकसान पर। प्रीति बोस अपना दूसरा ओवर डाल रही हैं और अब तक उन्होंने 24 रन दिए हैं। खासी महंगी गेंदबाजी रही है प्रीति बोस की। लेफ्ट आर्म स्पिनर अपने कप्तान से इस वक्त बातचीत कर रही हैं। कप्तान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्मृति मंदाना, थोड़ा तनाव उनके चेहरे पर नजर आ रहा है क्योंकि उन्हें इस बात का अब एहसास सा होने लगा है कि आज भी एक और बड़ा स्कोर चेज करना पड़ेगा। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को स्लॉग स्वीप कर दिया ऑन साइड में, खाली क्षेत्र पड़ा है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका। हरलीन देवल आज एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही हैं। पिछले मुकाबले में भी बढ़िया बल्लेबाजी की थी हरलीन ने और इस मुकाबले में भी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को स्वीप किया ऑन साइड में, घुटने को जमीन पर टिकाते हुए, और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जमीनी रास्ते से 4 रन के लिए, 125 पर 2 गुजरात जायंट्स। इस ओवर की अब चौथी गेंद के साथ प्रीति बोस तैयार, बाएं हाथ से राउंड द विकेट, ये गेंद कदमों का इस्तेमाल किया फुल टॉस पर लेते हुए, इस गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन लेने का मौका, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ गुजरात का 126 रन दो विकेट के नुकसान पर। 13वां ओवर चल रहा है, प्रीति बोस गेंदबाजी कर रही हैं। पहला ओवर खासा महंगा रहा था इनका, 23 रन दे दिए थे पहले ओवर में और अब तक इस ओवर में 6 रन दिए हैं उन्होंने, एक चौका लगा है। इस ओवर की पांचवी गेंद एशले गार्डनर के लिए, और गार्डनर ने इस बार इस गेंद पर बल्ला तो बहुत जोरदार चलाया लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक रन मिल पाएगा, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब गुजरात का 127 रन दो विकेट के नुकसान पर। एशले गार्डनर 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही हैं, अब नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार होती हुई प्रीति बोस, ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, और इस बार इस गेंद को हवा में उछाल कर खेला हरलीन ने लेकिन एक टप्पे के बाद फील्डर को गेंद मिली, बाल बाल बचती हुई वहां पर हरलीन देवल, सिंगल मिला आखिरी गेंद पर, और इसके साथ ही 13वां ओवर पारी का समाप्त हुआ। 13 ओवरों के बाद गुजरात जायंट्स 128 दो विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार 9.85 की है, बेहतरीन रन गति के साथ इस वक्त गुजरात की टीम बल्लेबाजी कर रही है। एशले गार्डनर 14 पर, हरलीन देवल 40 रन बनाकर बल्लेबाजी करती हुई। आप सभी मित्रों का बहुत स्वागत आपके अपने चैनल क्रिकेट अनफोल्ड और क्रिकेट एस पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके लगातार हमारे साथ जुड़ें। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार हो रही हैं, नए ओवर की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रही हैं, वहां पर गेंदबाज सामना करेंगी बल्लेबाज हरलीन देवल। हरलीन देवल का जहां तक सवाल है, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हीथर नाइट आई हैं गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगी पहली गेंद का
हरलीन देवल। हरलीन देवल ने 40 रन बनाए, 28 गेंदों का सामना किया है, उम्दा बल्लेबाजी। अपनी पारी में एक छक्का और 5 चौके लगा चुकी हैं हरलीन देवल इस वक्त। हरलीन देवल की शुरुआत, पहली गेंद और इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया सिंगल के लिए, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ गुजरात जायंट्स का 129 रन 2 विकेट के नुकसान पर 41 पर पहुंची हरलीन देवल। बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई इस वक्त गुजरात जायंट्स की तरफ से, और जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है आसिम, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेला ऑन साइड में, सिंगल मिलेगा और इस तरह से स्कोर होता हुआ अब गुजरात का 130 2 विकेट को नुकसान पर। माइक्रोफोन पर आइए आसिम जराजपुरी। शुक्रिया इकबाल। बिल्कुल आज जहन बनाकर गुजरात जायंट्स के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, और यकीनन ये फायदेमंद भी है। हरलीन इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से कट कर दिया, बहुत उम्दा फील्डिंग पॉइंट पॉइंट पोजीशन पर, और डाइव लगाकर गेंद को प्रीति बोस ने रोका, यकीनन एक चौका, शर्तिया तौर पर चौका बचाया। हीथर नाइट जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर रही हैं, ऑफ स्टंप के बाहर काफी विड दे दी थी और डाइव लगाकर गेंद को रोक लिया। गेंद बहुत तेजी से जा रही थी। हाँ जी हाँ, तो डूवेल एक चौका आता हुआ, लेकिन एश गार्डनर के बल्ले से ऑफ स्टंप के बाहर से पिक किया, पिकअप शॉट और ऑन साइड में पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। डू वेल हरलीन, मानवी पराशर साहब ये कह रहे हैं, और शी इज डूइंग वेल। बहुत उम्दा पारी खेलती हुई, पिछले मैच में भी अच्छा करती नजर आई थी हरलीन देओल, जिनकी खासी आलोचना होती रही, हम लोगों ने भी की थी। इस बीच ओवर की 5वीं गेंद और कदमों का इस्तेमाल, बीट हुई स्टंप, एश गार्डनर को फंसा लिया हीथर नाइट ने। सीधी गेंद टर्न के लिए खेला और गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्ताने में, और उन्होंने बेल्स पे दे मारा और विकेट का पतन। यह गुजरात जायंट्स के लिए बढ़िया नहीं हुआ, बेहतरीन पार्टनरशिप इन दोनों के बीच चल रही थी, और गार्डनर ने एक लूज शॉट खेला, ऋचा घोष ने विकेटों के पीछे बाकी का काम पूरा किया। तीसरी विकेट आउट होती हुई एश गार्डनर के रूप में, एशले गार्डनर वापस जाती हुई 19 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना किया, और 135 पर 3 गुजरात जायंट्स। विकेट लेती हुई हीथर नाइट स्टंपिंग आउट। हमारे साथ जनमेजय कुमार भी हैं, आशीष स्पोर्ट। इकबाल सर, मैं क्रिकेट कमेंट्री करता हूं, मेरी एज 23 साल है, मैं क्लास 4 से क्रिकेट कमेंट्री कर रहा हूं। मैं ये लिख के दे सकता हूं कि आप इंडिया के टॉप 10 कमेंटेटर्स में से एक हैं। बहुत शुक्रिया साहब इस प्रेज के लिए, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। वैभव पवांकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, मोहम्मद सैयद शेख जी हैं, मार्मिक पराशर, शमशाद अंसारी, ये तमाम साथी हमें सुनते हुए इस वक्त क्रिकेट अनफोल्ड पर। निश्चित तौर पर गुजरात ने बढ़िया शुरुआत तो की है, बहुत उम्दा पहली पारी में बल्लेबाजी हो रही है। हेमलता दयालन अब आ गई है बैटिंग करने के लिए, 99 मुकाबलों में 1608 रन, 24.7 ओवर की गेंदबाजी। और इस वक्त आरफिन इकबाल का भी कमेंट है, हाय कहते हुए, हाय आरफिन, मजा ले रहे हैं आप भी मैच का। 135 3 विकेटों के नुकसान पर एक सिंगल के साथ छोर को बदला है बल्लेबाजों ने, और हेमलता ने अपनी पारी की शुरुआत की सिंगल की मदद से। 14 ओवर्स की गेंदबाजी, 8 रन इस ओवर से दिए हीथर नाइट ने, और 136 3 विकेटों के नुकसान पर टीम गुजरात जायंट्स का स्कोर। हर्ष गुप्ता, होली की शुभकामनाएं समाज सेवी, हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन कर्मी, चित्रकूट से हैं ये, तो ये जिला मंत्री भी हैं। और चलिए साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय सिंह, महेश चौहान भी हमारे साथ मौजूद हैं, रामजीत यादव, हिमांशु कुमार, सर जी आपकी कमेंट्री बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया, आप लोग हमसे जुड़ते रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपका चैनल है जहां से लगातार आपको कमेंट्री सुनने को मिलेगी। फिलहाल 15वें ओवर की शुरुआत करेंगी प्रीति बोस, जो कि 2 ओवर्स 31 रन यानी बहुत महंगी रही हैं। एक बार फिर से गेंद उनको थमाई गई है, पिछले ओवर में अच्छी फील्डिंग की थी, कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, क्या आत्मविश्वास गेंदबाजी में नजर आएगा। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से छक्का, वाह क्या शॉट लगाया हेमलता दयालन ने, हम भी हैं कतार में, क्या शानदार टैलेंट, जबरदस्त हिट,
बुलेट की रफ्तार से, गोली की रफ्तार से गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर निकली। और इस खिलाड़ी में थोड़ा सा कैरेबियाई फ्लेवर है आसिम, जिस प्रकार से बल्ला आता है ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गेंद को उछाला और जबरदस्त छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 142 तीन विकेट के नुकसान पर। हेमलता दयालन छक्का लगा करके अपना स्कोर 7 पर पहुंचाती हुई अगली गेंद करने के लिए तैयार, लेकिन वहां पर अंपायर ने कुछ जाकर के इंटरवीन किया, कुछ कहा है देव से दयालन को। 20 ओवर के अगली गेंद के साथ अब तैयार हैं प्रीति बोस। ये गेंद और इस बार फिर से इस गेंद को पुल किया, लेकिन स्क्वायर लेग पर बढ़िया क्षेत्र रक्षण, गेंद को रोक लिया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। गुजरात जायंट्स की टीम लगातार सरपट भागती हुई इस मुकाबले में, रनों की रफ्तार 9.91 का बहुत ही तेज गति से रन बना रही है गुजरात की टीम। 20 ओवर के अगली गेंद के साथ एक बार फिर से तैयार हैं गेंदबाज प्रीति बोस, सामना करेंगी हेमलता दयालन। अगली गेंद और इस बार दयालन ने इस गेंद को कट कर दिया, गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, शानदार चौका। और इस चौके के साथ हेमलता पहुंचती हुई 11 की रन संख्या पर और स्कोर बढ़ता हुआ अब गुजरात जायंट्स का 146 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और वीरेंद्र सहवाग का जो अंदाज होता था स्पिनर्स को कट करने का, बिल्कुल कदमों में कोई हरकत नहीं, अपने स्थान से खड़े खड़े हैंड आई कोऑर्डिनेशन और चौका मिल गया हेमलता दयालन को। बेहतरीन बल्लेबाजी और इस बल्लेबाजी के दम पर गुजरात की टीम इस मुकाबले में एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर, बहुत बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है। अगली गेंद प्रीति बोस की और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया, गेंद जा रही है ऑफ साइड में, गेंद को जब तक स्वीपर कवर बाउंड्री पर फील्ड किया जाएगा, एक रन और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब गुजरात का 147 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल हेमलता दयालन इस सिंगल के साथ अब अपना स्कोर पहुंचाती हुई 12 की रन संख्या पर। अगली गेंद प्रीति बोस की और इस बार इस गेंद को बैकफुट पर हटते हुए कट किया, गेंद गई है कवर की दिशा में, एक रन आसानी के साथ लेने का मौका, हालांकि वहां पर थोड़ा मिसफील्ड भी हुआ था और दूसरे रन के लिए हरलीन देवल सोच रही थी, लेकिन वहां दूसरा रन था नहीं। कप्तान स्मृति मंदाना वहां पर फील्डिंग कर रही थी, गेंद को उन्होंने उठा लिया दूसरे प्रयास में और एक रन से ही संतोष करना पड़ा हरलीन देवल को। हरलीन देवल 43 पर। अगली गेंद और इस बार हेमलता दयालन ने इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछाल दिया और गेंद एक दो टप्पे खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। वाह, व्हाट अ शॉट, व्हाट एन इनिंग्स। 6 गेंदों पर 16 रन बनाकर हेमलता दयालन ने आते ही भौकाल मचा दिया है मैदान पर। और 15 ओवरों के बाद गुजरात जायंट्स 152 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हरलीन देवल 43 पर, 16 पर हेमलता दयालन और प्रीति बोस का एक और महंगा ओवर जिसमें उन्होंने 16 रन दिए और कुल गेंदबाजी 3 ओवर 47 रन और कोई सफलता नहीं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल क्रिकेट अनफोल्ड और क्रिकेट एस पर। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जब सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा अगर कमेंट्री में आपको मजा रहा है। 1000 लाइक्स तो कम से कम वीडियो पर होने ही चाहिए दोस्तों, 646 लाइक्स नजर आ रही हैं इस वक्त, लाइक्स की संख्या को 1000 पहुंचाइए दोस्तों। और फिलहाल नए ओवर की शुरुआत। पहली गेंद हीथर नाइट की, कदमों का इस्तेमाल, गेंद को लॉफ्ट कर दिया, गेंद जा रही है साइड स्क्रीन की दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ हरलीन देवल पहुंच गई है 47 पर, अर्धशतक से मात्र 3 रन दूर हरलीन देवल। क्या शानदार बल्लेबाजी, बिल्कुल एक तरह से इस मैदान पर लगातार बाउंड्रीज ही बाउंड्रीज पड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम पिछले दिन का मुकाबला एक बार फिर से आपको लाइव सुना रहे हैं। अरलीन देवल 32 गेंदों में 47 रन। ओवर की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, फील्डर पीछे मौजूद, एक रन मिलेगा जब सोफिया डिवाइन गेंद को थ्रो करेंगी। 48-33 गेंदों में हेमलता दयालन, 6 गेंदों में 16 रन, दोनों ही तरफ गर्जना, बिल्कुल दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, थोड़ी सी राहत की सांस लेना चाह रही थी स्मृति मंदाना की, आउट हो गई हैं एश गार्डनर, अब नए बल्लेबाज को रोका जाएगा लेकिन कोई नहीं रोक पा रहा। इस बीच एक और कैच, हीथर नाइट को एक और सफलता, दूसरी सफलता। रेणुका सिंह ठाकुर ने शॉर्ट थर्ड मैन पोजीशन पर गेंद को कैच किया, धीमी गेंद कर दी थी, काफी धीमी, बल्ला तेज चला दिया बाहरी किनारा और कैच आउट। और ये आज की कहानी रही है गुजरात की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी लेकिन विकेट गिर जाती हैं और ये विकेटें उनको एक बड़े स्कोर से क्या रोक पाएंगी। हालांकि अभी आने के लिए सदरलैंड भी बैठी हुई है बैटिंग करने के लिए,
हेमलता दयालन आउट हुई हैं और इसी के साथ वक्फा भी ले लिया गया है, ब्रेक भी ले लिया गया है ड्रीम्स का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होती हुई, रनों की बौछार इस वक्त ब्रेबोर्न स्टेडियम पर। हेमलता काफी प्रॉमिसिंग स्टार्ट, लेकिन बहुत छोटा सफर रहा और उनको वापस अब जाना पड़ रहा है डगआउट की तरफ। हमारे साथ संजय कुमार जी हैं, 200 प्लस बनाएंगी ताकि आरसीबी की टीम बैटिंग कर पाएगी और मजा भी आएगा। सलमान रियाज कहते हैं सोफिया डिवाइन को बॉलिंग लगाना चाहिए। श्याम बंसल कहते हैं बहुत मजेदार क्रिकेट और कमेंट्री। राजकुमार पांडे 211 रन होगा सर स्कोर आज गुजरात का। सुधाकर सिंह सिर्फ मेरी है और क्या है सुरकाली बॉयज सर, एक बार मोदी जी की स्टाइल में कमेंट्री करते हुए इंटरटेनमेंट करें। अरे भैया आपको लगता है कि क्या मैं इंटरटेनमेंट के लिए बनाऊं क्या? एंटरटेनमेंट अगर चाहिए तो विद्या बालन के पास जाइए। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वाह बहुत धन्यवाद जी। हाँ वैसे भी मोदी जी बिजी हैं, कल अहमदाबाद में उनको पहुंचना है और बड़ा भव्य मुकाबला होने की उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर कमेंट्री करेंगे दोनों प्राइम मिनिस्टर। ये भी मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार होगा कि दो, हालांकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो कमेंट्री कर चुके हैं, लेकिन दो मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर एक साथ कमेंट्री करेंगे ये बड़ा अद्भुत होगा। टॉस भी करेंगे मोदी जी, तो सुनना मत भूलिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। इकबाल स्पोर्ट्स क्रिकेट अनफोल्ड पर आपको लगातार, इकबाल स्पोर्ट्स को भूले तो नहीं है, वहां पे लगातार आपको सुबह 9:15 से आपको कमेंट्री सुनने को मिलेगी। हमारा मेन चैनल है और साथ में क्रिकेट अनफोल्ड जो जुड़वा भाई है। ये अलग बात है कि इकबाल स्पोर्ट्स को हमने कॉन्वेंट में भेजा, क्रिकेट अनफोल्ड को हमने सरकारी स्कूल में भेजा, लेकिन दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों की उम्रें बढ़ रही हैं। बहुत शानदार प्रस्तुति कहते हैं श्याम सुंदर जी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सुंदर भाई। राजकुमार पांडे महिला दिवस की शुभकामनाएं। और कोई विचार मंच है झांसी का जहां से ये हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया साहब। और इस वक्त जो शुरुआत की है गुजरात जायंट्स ने, यकीनन आज एक बार फिर से स्मृति मंधना की जो टीम है उसको एक बड़े लक्ष्य को भेदना होगा अगर पहली जीत हासिल करनी है। महेंद्र बैरवा हैं कह रहे हैं गजब कमेंट्री क्या करते हो, बहुत शुक्रिया महेंद्र भाई आपका, अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लग रही है। स्वीट दौसा से हैं और 200 रन कहते हैं बनेगा। सिद्धार्थ भिसे जी हैं, अशोक कुमार हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि मज़ा आएगा कल जब दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच, क्या जबरदस्त दिल्ली मुंबई वालों के बीच होगी भिड़ंत। जी हाँ कल तो ब्लॉकबस्टर मुकाबला है। इधर टाइम आउट खत्म हो चुका है और अब खेल की शुरुआत हो रही है। पहली गेंद डलने जा रही है और एनाबेल सदरलैंड इस वक्त गेंद बल्लेबाजी करने के लिए आई हैं। कुल 1034 रन, तीन बार ये 50 रन कर चुकी हैं। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद बल्कि चौथी गेंद थी, हवा में खेला था लगभग रिटर्न कैच। हीथर नाइट गेंद को संभाल ही नहीं पाई और एक रन वहां पर मिल गया बल्लेबाज को। 158/4 गुजरात जायंट्स। जी हाँ तो ऑलराउंडर क्रिकेटर आ चुकी हैं बैटिंग करने के लिए। एनाबेल सदरलैंड को लेकर दो तीन कमेंट्स आए थे कि कब आएंगी बैटिंग करने के लिए, तो विकेट गिरी आ गई हैं बैटिंग करने। अगली गेंद ओवर की पांचवी गेंद, हरलीन देओल ने इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, एक रन दौड़कर पूरा किया हरलीन देओल ने। अगर इस तरह की बल्लेबाजी करेंगी हरलीन जो कि एक रन दूर है अपने अर्धशतक से, तो इंस्टाग्राम पर ही फॉलोवर नहीं बल्कि उनको हर तरफ फॉलोवर मिलेंगे और उनका भी एक फैन बेस जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी अभी तक आउटिंग रही है WPL में उनकी। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर से टांगे फैलाकर इस गेंद को पंच कर दिया, गेंद बाउंड्री की तरफ, श्रेयंका ने डाइव लगाकर गेंद को रोका। छरहरे बदन के श्रेयंका, झोंक दिया अपने बदन को उन्होंने और दो रन बचा लिए टीम के लिए। 16 ओवर्स के बाद गुजरात 161, चार विकेटों के नुकसान पर, अभी भी 10 रन से ऊपर ही रनों की रफ्तार चल रही है। इस वक्त दबाव है टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऊपर। रॉबिन कुमार कहते हैं 197 रन बनेंगे। देवेंद्र सिंह चौहान, नाइस कमेंट्री सर, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देवेंद्र भाई आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या गुजिया खाई आपने यार, हमें आज गुजिया नहीं मिली, बहुत मिस कर रहा हूं अपने उन दोस्तों को। प्रॉब्लम यह है कि हमारे क्षेत्र में होली की वजह से सारी दुकानें भी बंद हो गई और मैं स्विगी पर गया, जोमेटो पर, वहां भी मिठाई की दुकानें बंद थी, कुछ भी मीठा नहीं मिला है।
चॉकलेट खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। इस वक्त सिद्धार्थ भैंसे भी हमारे साथ हैं और जयेश चौहान हैं कमेंट्री। नाइस सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त 17वें ओवर की शुरुआत होगी, रनों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है और गुजरात जायंट्स के हौसले बुलंद। एलेक्स पेरी गेंदबाजी की शुरुआत करती हुई चली, अंपायर को क्रॉस किया, एलेक्सम के बाहर, वाइड बॉल। गिरते पड़ते विकेटों के पीछे ऋचा घोष ने गेंद को रोका, निश्चित तौर पर 119 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गेंद बाउंड्री के लिए दौड़ जाती लेकिन अपने आप को अपने शरीर को बीच में लाकर गेंद को रोक लिया ऋचा घोष ने। एक रन, ओवर की शुरुआत वाइड के साथ हुई है 162 चार विकेटों के नुकसान पर। इस वक्त बड़ी तादाद में दर्शक मौजूद, तेज रोशनी के बीच अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, चार रन। वाओ, क्या हाफ सेंचुरी की है हरलीन देओल ने, 35 गेंदों में 53 रन और बेहतरीन शॉट। एलेक्स पेरी की शॉर्ट पिच गेंद 119 किलोमीटर की रफ्तार और बड़े आसानी के साथ खड़े खड़े इस गेंद को रोहित शर्मा के अंदाज में लेकर घूम गई, हाफ पुल हाफ हुक के अंदाज में, और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। ब्यूटी ऑफ अ शॉट फ्रॉम हरलीन देओल, बेहतरीन बल्लेबाजी 21 नंबर की जर्सी पहने हुए पंजाब की यह क्रिकेटर इस वक्त गुजरात जायंट्स के लिए मोर्चा संभाले हुए। 35 गेंदों का सामना, 53 रन, 7 चौके, 1 छक्का, इस बीच पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से, इस बार फाइनल बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अच्छी खबर ली जा रही है एलेक्स पेरी की, तेज रफ्तार गेंदों की, पटक कर गेंदबाजी, पहली गेंद वाइड की थी, दूसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन में पटकी हुई, तीसरी गेंद भी लेग स्टंप की लाइन में पटकी हुई, दो गेंदों पर चौके जड़ दिए हरलीन देओल ने, गुजरात 170 चार विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के निशान पर पहुंच गई हैं एलेक्स पेरी, मंधाना उनके पास पहुंची हैं, कुछ ज्यादा गुस्से में नजर आ रही हैं, अपना आपा खोती हुई गेंदबाजी करते हुए इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर से, ओह क्या शॉट, जबरदस्त स्क्वायर कट, हरलीन देओल इज बैटिंग लाइक अ ड्रीम, एब्सोल्युटली टॉप, क्या शॉट खेला, ऑफ स्टंप के बाहर यह गेंद थी, पीछे हटी शफल करते हुए और इस बेहतरीन गेंद को पहुंचा दिया पॉइंट के ऊपर से, गुंडप्पा विश्वनाथ की याद दिला दी, क्या स्क्वायर कट लगाया इस बल्लेबाज ने, लगातार हैट्रिक मार दी चौकों की। गुजरात जायंट्स आज इरादे नेक नहीं, सबसे बड़ा स्कोर करने के फिराक में गुजरात जायंट्स। ओवर की चौथी गेंद के साथ चली एलेक्स पेरी, इस बार ब्लॉक होल में गए थे, इस गेंद को पिकअप कर दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री पर, वहां पर कैच छूट गया, प्रीति बोस गेंद को कैच करते हुए फिसल गई, गेंद उनके हाथ में आई थी, किस्मत अच्छी रही बल्लेबाज हरलीन देओल की कि गेंद को पकड़ते हुए उनका पैर फिसला और गेंद हाथ से छूटी और विकेट जाते जाते रह गया, चौका जरूर बचाया, चौके की चौकड़ी जरूर बचाई है प्रीति बोस ने। ओहो क्या बैटिंग हो रही है, जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाजी होती हुई ओवर की पांचवी गेंद के साथ तैयार होती हुई एलेक्स पेरी इस ओवर में 13 रन दे चुकी हैं, 3.4 ओवर में 37 रन। चली ये गेंद, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर इसे कवर्स में खेला और कोई रन नहीं मिलेगा, थोड़ी सी सांस आई, थोड़ी सी राहत मिली गेंदबाज को, थोड़ा थमा मुकाबला। गुजरात जायंट्स 17वें ओवर में 175 चार विकेटों के नुकसान पर दिल्ली मुंबई के स्कोर्स को टापने की कोशिश, इकबाल लगता है जबरदस्त चैलेंज और पसीना बह रहा है तेजी से स्मृति मंधना के पेशानी से, उनको लग रहा है कि 225 आ रहे हैं सामने, मुश्किल होगी। ओवर की अंतिम गेंद, एक बार फिर से पटकी गेंद, पुल कर दिया एनाबल सदरलैंड ने 6 रनों के लिए, यह हो क्या रहा है, 181 17 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद गुजरात जायंट्स, ये कारमा थमने का नाम नहीं ले रहा है इकबाल। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन होता हुआ गुजरात जायंट्स की तरफ से, और जब मुकाबला शुरू हो रहा होगा तो आप में से बहुत ज़्यादा हमारे दोस्तों ने ये सोचा नहीं होगा कि गुजरात की टीम कुछ इस तरह की बल्लेबाजी कर जाएगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ, लेकिन हकीकत यह है कि रॉयल चैलेंजर्स की गेंदबाजी का यहाँ पर बखिया उधेड़ कर रख दी है गुजरात जायंट्स की बल्लेबाजी ने। 62 रन पर हरलीन देओल, 9 पर एनाबेल सदरलैंड,
और 17 ओवरों के बाद रनों की रफ्तार पर एक निगाह दौड़ाइए, 10.65 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से रन बने तो 213, 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने तो 217 और 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने तो 223 रन बनते हुए नजर आएंगे। नए ओवर की शुरुआत श्रेयंका पाटिल के द्वारा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, ब्लॉक होल पर बिल्कुल, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था, फॉलो किया था बल्लेबाज को, दरअसल लेग स्टंप की तरफ हट रही थी बल्लेबाज हरलीन देवल, लेकिन गेंदबाज ने पीछा किया और बिल्कुल बल्ले के जड़ के पास गेंद को डिलीवर किया और कोई रन बनाने का मौका नहीं हरलीन देवल के पास। 181 चार विकेटों के नुकसान पर गुजरात। अगली गेंद और इस बार श्रीलंका की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल, स्टंपिंग का मौका छोड़ दिया वहां पर ऋचा घोष ने, ऑफ स्टंप के बाहर फ्लैटर ट्रैजेक्टरी की गेंद, कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज हरलीन ने, लेकिन गेंद को कंप्लीटली मिस कर गई और विकेटों के पीछे ऋचा घोष जगल करती हुई दो तीन प्रयास में गेंद को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक मौका था हरलीन के पास वापसी कर लेने का क्रीज पर। इस ओवर की अब तीसरी गेंद के साथ श्रेयंका, खामोश रखा है अभी तक हरलीन को उन्होंने, क्या करेंगी हरलीन। अगली गेंद और इस बार हरलीन ने इस गेंद को ऑन साइड में स्लॉग किया, लेकिन फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ गुजरात का 182 चार विकेट के नुकसान पर। श्रेयंका पाटिल बढ़िया गेंदबाजी कर रही हैं, इस ओवर में तीन गेंदें और सिर्फ एक रन, और वैसे भी उनकी गेंदबाजी का पूरा विश्लेषण देखेंगे 2.3 ओवर 18 रन मात्र दिए हैं और एक सफलता उन्होंने हासिल की है, सबसे बढ़िया गेंदबाजी। अगली गेंद और इस बार अनाबल सदरनल ने इस गेंद को ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रन। आज लगता है कि किसी भी खिलाड़ी को हमारी तारीफ रास नहीं आ रही। हमने जब डंकली की तारीफ की थी आउट हो गई थी, हमने अब तारीफ की श्रेयंका की, चौका खा बैठी और इस वक्त स्कोर हो गया है इस चौके की मदद से गुजरात का 186 चार विकेट के नुकसान पर। श्रेयंका पाटिल इस ओवर की अगली गेंद के साथ सामने है एनाबेल सदरलैंड, ये गेंद और एक बार फिर से ब्लॉक होल पर गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, एक और डॉट डिलीवरी, बेहतरीन ओवर ये नजर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। 17.5 ओवरों के बाद 186 चार विकेटों के नुकसान पर गुजरात जायंट्स। इस ओवर के आखिरी गेंद के साथ श्रेयंका पाटिल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद और एक बार फिर से ब्लॉक होल पर, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, आखिरी गेंद पर सिंगल और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ 18 ओवरों के बाद गुजरात 187 पर चार। श्रेयंका पाटिल की बात करें तो इनका पूरा नाम श्रेयंका राजेश पाटिल, उम्र मात्र 20 साल की हैं ये, और इनका जन्म 31 जुलाई 2002 में कर्नाटक में बैंगलोर में हुआ। दाहिने हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करती हैं और बल्लेबाजी भी दाहिने हाथ से करती हैं और एक ऑलराउंडर की भूमिका में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं WPL में। आप सभी मित्रों का बहुत स्वागत आपके अपने चैनल क्रिकेट अनफोल्ड पर। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। लाइक्स की संख्या काफी कम नजर आ रही है, आपके लाइक्स की संख्या हमारे लिए टॉनिक का काम करती है, हमारे लिए एक संजीवनी का काम करती है, तो जरूर लाइक्स की संख्या को भी बढ़ाते रहें। जी हाँ, इस वक्त 18 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है, 19वां ओवर लेकर स्मृति मंदाना अपने गॉगल्स के पीछे अपने इमोशंस छुपाती हुई सामने सदरलैंड, 7 गेंदों में 14 रन। रेणुका ठाकुर क्या होगा इस ओवर में, पहली गेंद छक्का या विकेट, ओह मैंने कहा छक्का, इकबाल ने कहा विकेट, और इस लंबाई को लंबा न कर सकी, लॉन्ग ऑफ पर कैच कर लिया गया। सदरलैंड को वापस जाना होगा, रेणुका ठाकुर की अच्छी शुरुआत, इससे पहले 3 ओवर्स में 31 रन दिए लेकिन इस धीमी गेंद को बाउंड्री के पार नहीं पहुंचा सकी, बल्ले के बीच में जरूर आई थी, उम्दा कैचिंग बाउंड्री रोप्स पर होती हुई सोफिया डिवाइन के द्वारा, बहुत उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा और एक और सफलता। लेकिन गुजरात जायंट्स 187 तक पहुंच चुका है 5 विकेटों के नुकसान पर, सदरलैंड की वापसी हो रही है, 8 गेंदों में 14 रन मारकर वापस जा रही है। हालांकि अभी भी कई खिलाड़ियों का आना बाकी, स्नेह राणा असंभवता पाएंगी बैटिंग करने के लिए, स्नेह राणा ऑलराउंड क्रिकेटर हैं,
29 साल उनकी उम्र है और टीम की कप्तानी भी वो कर रही हैं। 187/5 19वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट आया, स्ट्राइक बदली है, लेकिन स्ट्राइक लेंगी स्नेह राणा, क्योंकि अब नए रूल्स के एतबार से कोई भी नया बल्लेबाज आएगा और कैच आउट होने पर स्ट्राइक नहीं बदली जाएगी, कितने भी आप रन दौड़ लें। 114 मुकाबलों में 921 रन, 17 का औसत। अगली गेंद का सामना करेंगे स्नेह राणा, ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को कट कर दिया, पॉइंट पर गेंद को फील किया श्रीलंका ने, कोई रन नहीं। अच्छी शुरुआत, पहली दो गेंदों पर एक विकेट। इस टूर्नामेंट में रेणुका सिंह ठाकुर को तीसरे मुकाबले में अपनी पहली सफलता मिली है, इससे पहले दो मैचेस उन्होंने गेंदबाजी की, 4 और 3 ओवर्स, दोनों मुकाबलों में कोई सफलता नहीं मिली। आज उन्होंने आउट कर लिया सदरलैंड को, बढ़िया कैचिंग, बहुत उम्दा कैचिंग। ओवर की तीसरी गेंद के साथ रेणुका ठाकुर इस बार फुल टॉस बनाकर गेंद को खेल दिया, काउ कॉर्नर क्षेत्र में, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन लेने का मौका, सोफिया डिवाइन ने गेंद को थ्रो किया और सिंगल के साथ ही एक दूसरे से मशवरा करती हुई दोनों खिलाड़ी स्नेह राणा और हरलीन देओल। हरलीन देओल जिन्होंने एक छक्का और 9 चौके लगाए, 63 रन बनाकर 41 गेंदों में बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर हैं, उनके इरादे साफ हैं, वो अटैक के लिए जाएंगी। उमदा बल्लेबाजी की हरलीन ने, इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रन मिल जाएंगे या फिर डाइव लगाकर गेंद को रोका, बहुत उमदा फील्डिंग, एक बार फिर से 2 रन लेने का मौका, जबरदस्त फील्डिंग हो रही है इस वक्त बैंगलोर की जानिब से। बाउंड्री रोप पर जो बाउंड्री राइडर्स हैं उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है और लगातार डाइव लगाकर घसीटती हुई अपने आप को गेंदों को रोकते हुए हरलीन देओल एक बार फिर से स्ट्राइक पर। इस ओवर से 3 रन आए, 1 विकेट आया, 4 गेंदें हुई हैं, 5वीं गेंद के साथ दौड़ना शुरू करेंगी रेणुका सिंह ठाकुर। चली, अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से उठाकर खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 1-2 टप्पे के बाद गेंद को फील किया गया, बस 1 रन, टाइमिंग अच्छी नहीं, पावर नहीं था और सिर्फ सिंगल आता हुआ। बढ़िया ओवर, फिनिशिंग ओवर कर रही हैं इस वक्त रेणुका सिंह ठाकुर, अपने कोटे का अंतिम टीम का 19वां ओवर लेकर आई हैं, जिसको लेकर पिछले दिन हम बात कर रहे थे कि भारतीय क्रिकेट में 19वें ओवर की कितनी समस्या T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में रही है पिछले दिनों। आखिरी गेंद स्नेह राणा स्ट्राइक पर, रेणुका सिंह ठाकुर एक और विकेट तलाश करती हुई ऑफ स्टंप के बाहर से घुमाकर खेला मिड विकेट क्षेत्र में, बहुत अच्छी फील्डिंग, 2 रन लेने का मौका मिल जाएगा खिलाड़ियों को और दूसरे रन के लिए दौड़ी रन आउट की कोशिश और लगता है स्नेह राणा धीमी पड़ गई थी स्नेह राणा और रन आउट होती हुई बेहतरीन ओवर से 5 रन और 1 विकेट रेणुका ठाकुर को इस ओवर में मिला, 1 रन आउट के रूप में भी विकेट आएगा। तीसरे अंपायर के डिसीजन का इंतजार हालांकि काफी दूर नजर आ रही है स्नेह राणा और इस बार विकेटों के करीब अच्छा काम किया ऋचा ने, बहुत दूर तो रन आउट और जा रही है 5वीं विकेट गुजरात जायंट्स की। यह अंतिम ओवर अब आने को है, आखिरी ओवर की गेंदबाजी, 19 ओवर हो चुके, स्कोर 192, 6 विकेटों के नुकसान पर। पिछले 2 ओवर बड़े खामोश गुजरे, इस ओवर में 5 रन आए और इससे पिछले ओवर में 6 रन, तो पिछले 2 ओवर में सिर्फ 11 रन आए, उससे पहले तो बरसात हो रही थी बाउंड्रीज की। 2 रन बनाकर स्नेह राणा आउट, अब नई बल्लेबाज 20वें ओवर की बल्लेबाजी के लिए, हालांकि हरलीन देओल 66 रन बनाकर स्ट्राइक पर हैं। क्रिकेट अनफोल्ड और क्रिकेट एज पर आप हमें सुन रहे हैं। बैंगलोर और गुजरात के बीच ये मुकाबला ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया गुजरात जायंट्स ने और एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर। अंतिम 6 गेंदे पहली पारी में आने को हैं, कितना बड़ा लक्ष्य खड़ा होगा इस ओवर की 6 गेंदे जब खत्म होंगी, जब 20वां ओवर खत्म होगा तो टारगेट का पता चलेगा, लेकिन ये आखिरी ओवर महंगे से महंगा करना चाहेंगी गुजरात जायंट्स की बल्लेबाज, खासतौर से हरलीन देओल जो बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर है इस वक्त मौजूद। अंतिम ओवर की गेंदबाजी, गेंदबाज श्रीलंका करती हुई लगातार ब्लॉक होल में, बढ़िया शुरुआत, ऑफ स्टंप की लाइन, गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ पहुंचाया, किम गार्थ नई बल्लेबाज, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार किम गार्थ, 193, 6 विकेटों के नुकसान पर। अगर बैंगलोर ने 200 के अंदर रोक लिया गुजरात को तो मानसिक तौर पर एक जीत उनको जरूर हासिल हो जाएगी। गुजरात जायंट्स का स्कोर 225 के करीब जाता नजर आ रहा था, लेकिन यह लगातार विकेटों का गिरना
डेंट कर गया उम्मीदों को। पांच गेंदें, श्रेयंका का जबरदस्त परीक्षण यहां पर, यह बहुत टफनेस, मेंटल टफनेस का टेस्ट सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को रिवर्स किया, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, पीछे फील्डर दौड़ती हुई गेंद को रोक पाने में कामयाब हुई रेणुका सिंह ठाकुर। दो रन लेने का मौका, स्कोर बढ़ता हुआ 195, छह विकेटों के नुकसान पर। चार गेंदे आना बाकी, 200 के पार पहुंचेगी गुजरात या फिर नहीं। ओवर की तीसरी गेंद, सामना करेंगी किम गार्थ। बढ़िया ओवर अभी तक, पिछले तीन ओवर बैंगलोर को बेहद भाएंगे जिस तरह से उन्होंने रनों को रोका है। ओवर की तीसरी गेंद, श्रेयंका लगातार ब्लॉक होल में गेंदे फेंक रही हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को खेला कवर्स में, एक रन लेने की कोशिश और एक रन पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। स्मृति मंदना की खराब फील्डिंग, स्मृति मंदना की यहां पर कोशिश थी गेंद को गैदर करके थ्रो करने की, फील्ड ना कर सकी, एक रन लिया। हरलीन देओल आ गई स्ट्राइक पर। ओवर की तीन गेंदें आना बाकी, हरलीन देओल कहां पहुंचाएंगी अगली गेंद को। ओवर की चौथी गेंद, लेकर चली श्रेयंका और यहां पर बोल्ड कर दिया सीधा ब्लॉक होल में, बेहतरीन गेंदबाजी। श्रेयंका पाटिल आज बैंगलोर की सबसे उम्दा गेंदबाज, बोल्ड किया उन्होंने हरलीन को। गुजरात जायंट्स 196, 7 विकेटों के नुकसान पर, 67 रन बनाकर वापस हरलीन देओल। यह अंतिम ओवर और क्योंकि ओवर रेट से पीछे हैं, एक फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर और भी खड़ा है, ऐसे में मौका गुजरात जायंट्स के पास कि वो बड़े हिट्स लगा सकें। लेकिन क्या गेंदबाजी इन परिस्थितियों में, ब्लॉक होल में लगातार सही जगह पर गेंदों को डिलीवर करना आसान नहीं, वो भी एक 20 साल की गेंदबाज। दिमागी तौर पर कितनी मजबूती की जरूरत होती है, अपनी एकाग्रता को लगातार कायम रखना पड़ता है और लगातार गेंदबाजी करते हुए साबित किया है श्रेयंका पाटिल ने। बल्लेबाजी में पिछले दिन 23 रनों की एक उम्दा पारी खेली थी और आज गेंदबाजी में कमाल दिखाती हुई, दो विकेटें ले चुकी हैं, दो बड़ी विकेटें उन्होंने हासिल की, डंकले और अब हरलीन देओल। दो गेंदें आनी बाकी, सुषमा विकेटकीपर बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, श्रेयंका गेंदबाजी के लिए तैयार और इस बार सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर, चार रन, 200 हो गए गुजरात जायंट्स के। ब्लॉक होल की तलाश, थोड़ी सी गेंद की लेंथ जो है वो पीछे रह गई और ये गेंद ओवर पिच बनाकर सुषमा ने चौका मार दिया श्रेयंका की गेंद पर। बेहतरीन शॉट गेंदबाज के ठीक सर के ऊपर से और चार रन के साथ गुजरात के 200 पूरे। लेकिन निश्चित तौर पर अंतिम तीन ओवर्स में बैंगलोर ने जरूर ब्रेक्स लगाई। आखिरी गेंद ब्लॉक होल में एक बार फिर से उम्दा गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाज श्रेयंका पाटिल इज बिकमिंग ए चैंपियन बॉलर इन हिज सेकंड गेम। और 201 पर गुजरात जायंट्स के पहले इनिंग का समापन होता हुआ, 202 रनों का लक्ष्य रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी स्मृति मंदना की टीम के सामने 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने होंगे। मोहम्मद फाजिल कुरैशी, वैभव पावंकर, मार्मी पराशर, सोमनाथ पवार, फारूक कुरैशी, जन्मेजय कुमार, ये तमाम दोस्त हमारे साथ बने हुए हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ लगातार बने हुए रहेंगे। इस इनिंग्स ब्रेक के दौरान हम आपकी आपके कमेंट्स लेंगे, आपके सुझाव, आपकी जो प्रतिक्रिया इस मैच को लेकर के है, आपसे बातचीत होगी, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत जल्दी पारी जो है शुरू होने वाली है। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्मृति मंदाना बहुत जल्द बल्लेबाजी करने के लिए आने वाली हैं। सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं, राजकुमार पांडे, परीक्षा जानकारी, जवाहर चौहान हमारे साथ, मोहम्मद जमशेद शेख हैं, सुरेंद्र कोटा कटोच हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत आप सभी मित्रों का। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए सोमनाथ पवार जी, फारूक कुरैशी, मार्मिक पराशर, मोहम्मद फजैल हमारे साथ हैं, वैभव जी और गुरविंदर सिंह हमारे साथ हैं, इसके अलावा मोहम्मद कलीम हैं और शमशाद अंसारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस मुकाबले में। अब बहुत जल्द पारी की शुरुआत होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात की जाए तो एक बार हम बैंगलोर की बल्लेबाजी का आकलन करेंगे कि बल्लेबाजी में कितना दम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। आपकी स्क्रीन पर अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आने वाली है।
और आप भी देख सकते हैं कि किन खिलाड़ियों पर दारोमदार रहेगा। सोफिया डिवाइन और स्मृति मंदाना पारी की शुरुआत करेंगी और मुझे लगता है कि इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि ये एक अच्छी शुरुआत दिलाएं अपनी टीम को, वरना अगर अच्छी शुरुआत नहीं हो पाती है तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है आरसीबी की टीम को आज के मुकाबले में। इसके अलावा एलिस पेरी हैं, हीथर नाइट, पूनम है हमारे इस टीम के अंदर, हम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऋचा घोष हैं और आहूजा जिन्होंने बढ़िया टच दिखाया था पिछले मुकाबले में। इसके अलावा श्रेयंका ने भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। तो ये बल्लेबाजी में दमखम तो है बैंगलोर की टीम के पास, लेकिन वही है कि एक अच्छी शुरुआत करनी ही होगी अगर इस मुकाबले को जीतना है। अगर अच्छी शुरुआत नहीं होती है तो फिर इतना बड़ा लक्ष्य चेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आरसीबी के लिए। और अगर आरसीबी की टीम आज का मुकाबला हार जाती है गलती से भी, तो फिर यकीन मानिए एक बार फिर से ट्रोलिंग जो है आरसीबी की ज़बरदस्त शुरू हो जाएगी, क्योंकि आरसीबी की मेंस टीम का भी यही हाल रहता है और विमेंस टीम का भी यहाँ पर वही हाल दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। वहीं अगर गुजरात की टीम की बात करें, उनकी गेंदबाजी की तरफ अगर हम झांक कर देखें तो आपकी स्क्रीन पर अब गुजरात की टीम नज़र आ रही है। गुजरात के पास गेंदबाजी में एशले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, तनुजा मानसी और गार्थ, ये गेंदबाजी हैं उनके पास। हालांकि मानसी जोशी ने जिस प्रकार की फील्डिंग की है इस टूर्नामेंट में, वो ज़रूर हर्ट करेगा गुजरात की टीम को। अपना फील्डिंग का स्तर उनको ऊंचा करना होगा वरना दिक्कतें आ सकती हैं। मानसी जोशी ने हालांकि गेंदबाजी अच्छी की है लेकिन उनकी जो फील्डिंग रही है वो थोड़ा सा परेशान ज़रूर करती हुई नज़र आई है गुजरात की टीम को। तो फिलहाल इस वक्त दोनों टीमों के बीच में कड़े मुकाबले की यहाँ पर संभावना है। दोनों टीमों में से आपकी नज़र में कौन सी टीम जीतती हुई नज़र आएगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी टीम का पलड़ा यहाँ पर भारी नज़र आ रहा है। राजकुमार पांडे हमारे साथ हैं, भोला राम जी हैं, आनंद जी हमारे साथ हैं, घनश्याम मौर्य जी हैं, अब्दुल वहाब खान, राजकुमार पांडे जी, समर दलाई जी, रावत जी हमारे साथ, रावत जी राम राम, रमजान अली हैं, 180 पर ऑल आउट हो सकती है आरसीबी की टीम, ये कहना उनका। तो आरसीबी के लिए एक चुनौती तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। आरसीबी के सामने लक्ष्य 200 प्लस का है और यकीनन ये लक्ष्य जो है बहुत आसान नहीं होगा उनके लिए चेज करना, लेकिन क्योंकि आरसीबी के पास बहुत अच्छी बैटिंग भी है वो ज़रूर उम्मीदें जगाती हैं। मार्मिक पराशर कह रहे हैं कि आफ्टर 5 ओवर्स प्रिडिक्ट करेंगे। अच्छा जी, पहले देख लेना चाहते हैं इसके बाद आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, चलिए जी ठीक है, आप सेफ खेलना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर राजपूत हैं, कह रहे हैं गुजरात जायंट जीतेगा, हम रायबरेली से हैप्पी होली कह रहे हैं जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की चंद्रशेखर राजपूत भाई। प्रिंस कुमार हमारे साथ हैं, फारूक कुरैशी हैं, फुजैल कुरैशी हैं, नरेश पटेल जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़े हुए जितेंद्र यादव और सलमान अंसारी भी हैं। जवाहर चौहान कहते हैं इकबाल सर क्या सर आप कितने कमा लेते हैं। हाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा मेजर सवाल आपने पूछा है जवाहर चौहान जी। जवाहर चौहान जी किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कहा कि लड़कियों की उम्र और मर्दों की कमाई नहीं पूछी जाती। आसिम कह रहे हैं क्यों, अरे भैया वो महापुरुष हैं उनसे जाके पूछे ना, मैं तो उनकी बात कोट कर रहा हूं। तो इस वक्त जो लक्ष्य है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने 202 रनों का है और 201 रन बना करके अभी अभी पारी समाप्त हुई है गुजरात जायंट्स की। गुजरात की टीम के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि वो अच्छी गेंदबाजी करे। इकबाल स्पोर्ट्स लवर अरविंद राजभर कह रहे हैं सर आज आपने गुजिया नहीं खाई, मैं भेज रहा हूँ, खा लीजिएगा। क्या बात है जी अरविंद भाई, आपने पिक्चर्स में इमोजीज में आसिम के लिए और मेरे लिए गुजिया भेजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसान हमारे साथ हैं, देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, सलमान हैं, रावत जी, सर्वेश कुमार जी, तासीर खान हैं, भगुन सिंह जी हैं, क्रेजी बॉय ऑफिशियल, आरसीबी जीतेगी लिख कर ले लो, क्या बात है जी, ये आरसीबी के तगड़े वाले फैन लग रहे हैं जी। हाँ आरसीबी के तगड़े वाले फैन हैं। गुजरात जायंट्स के लिए एक खबर ये आ रही है कि बेथ मूनी
जो हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हो रही है, उनकी जगह पर लॉरा वुलवॉर्ड को टीम में शामिल किया जा रहा है। तो लॉरा वुलवॉर्ड जो हैं आज एक एग्जीबिशन मैच खेल रही थी, पाकिस्तान में एक विमेंस डे पर एग्जीबिशन मैच हुआ है और उसमें वो खेल रही थी और उनको अब मौका मिल गया। वो गुजरात जायंट्स में, बेथ मूनी जो है अब वो टीम में नहीं होंगी इस सीज़न में अपनी इंजरी की वजह से, और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी उनको रिप्लेस कर रही हैं। बहरहाल गुजरात जायंट्स के बल्लेबाजों ने आज कमाल किया, 201 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए। प्रिंस कुमार जी कह रहे हैं राम राम जी, राम राम जी। अरुण कुमार सिन्हा, गुड इवनिंग सर, आप सभी को के परिवार सहित होली की बहुत बहुत बधाई। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। अली गौर इकबाल सर कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रिंस कुमार हैं और सोमनाथ पवार हैं, कहते हैं गुजरात जायंट्स की विमेंस आज जीतेंगी। राम जी साहू हमारे साथ हैं, मिस्टर एस के क्रिएशन। आरसीबी भी कुछ कम नहीं है और उत्तराखंड रुड़की से हमारे साथ अली गौर साहब जुड़ते हैं। अमर स्कॉल कहते हैं आसिफ और इकबाल सर आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि गलत कमेंट्स करने वालों को भी आप अच्छी नसीहत देते हैं। थैंक यू सर, हैप्पी होली। चलिए सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अच्छा इंसान समझा। और दिग्विजय राजपूत, क्या हम लोग अच्छे इंसान हैं? अब तो हमें अपने अंदर ये झांक कर देखना होगा, पूछना होगा। बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट के लिए। दिग्विजय राजपूत जी हैं सर, चौथे टेस्ट मैच में कब से है और कहाँ है दिग्विजय राजपूत? चौथा टेस्ट मैच कल सुबह यानी कि 9 तारीख को सुबह 9:30 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होना है और उस मुकाबले को लेकर 9:15 हम हाजिर हो जाएंगे आप तक कॉमेंट्री लेकर इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड के जरिए। मोहम्मद कलीम हैं, चंद्रशेखर राजपूत हैं, प्रिंस कुमार, जितेंद्र यादव, विक्रम पंडोर, ऋचा वाजपाई, हरिदास मंडल, मार्मिक पराशर, शिवानंद राजभर, हैप्पी होली। और जवाहर चौहान कहते हैं कि गुजरात जीतेगा। और मार्मिक पराशर कहते हैं फिर भी मर्दों की कमाई और उम्र पूछी जाती है। ओके, जवाब आया है आपका, क्या करना चाहते हैं कमाई जानकर। आप लोगों का प्यार कमा रहे हैं यही बहुत है, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। बहरहाल आप इस वक्त क्रिकेट अनफोल्ड पर और क्रिकेट एस पर भी आप हमें सुन सकते हैं। इस वक्त दूसरी टीम मैदान की तरफ बढ़ रही है, यानी अब मौका है गुजरात जायंट्स के सामने गेंदबाजी करने का। और स्मृति मंधाना जिन्होंने अपनी चमक तो पिछले मैच में दिखाई थी, चौके भी मारे थे, छक्का भी मारा था, लेकिन बड़े जल्दी चली गई थी, अब आज उनको एक तरफ से नॉट आउट खेलना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है। मोहम्मद फाजिल कुरैशी, आरसीबी की ये वुमेन टीम है, अगर जेंट्स टीम होती तो ये स्कोर आरसीबी के लिए कुछ भी नहीं था। प्रिंस कुमार हैं और अमर स्कॉल, सर मैं कमेंट कम करता हूं लेकिन मुझे लगा कि आज होली की बधाइयां तो बनती हैं। अमर भाई आपका ये कमेंट दिल छू रहा है, और आप जैसे बहुत से हमारे दोस्त हैं जो सिर्फ सुनते रहते हैं, कमेंट कम करते हैं, लेकिन आपके इस कमेंट पर हम बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं। बहुत धन्यवाद कि आपने होली की बधाई दी। आपको भी होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, उम्मीद करते हैं कि आने वाला जीवन आपका रंगों से भरा रहे। धर्म जी वागोले जी हमारे साथ हैं, हैव अ नाइस टाइम। जितेंद्र यादव सर जी, लालू जी की आवाज़ में बोलिए प्लीज़। राहुल यादव हैं हमारे साथ, विक्रम पंडोर, गुजरात जीतेगा वो कहते हैं, और कौन जीतेगा कौन हारेगा, कोई एक तो जीतेगा और कोई एक तो हारेगा, लेकिन स्पोर्ट्स है, खेल है। पिछले दिन एक कमेंट आया था, बड़ा अच्छा कमेंट था कि देश दुनिया के तमाम खिलाड़ी मिलकर इस लीग में खेल रहे हैं और ये खेल है, खेल की तरह ही इसको एंजॉय किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है, बिल्कुल आपका कमेंट सही है और इसी बात की हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ से भी लोग खेल को देखते हैं, कॉमेंट करते रहते हैं। नंदलाल प्रसाद हैं हमारे साथ, नंदलाल प्रसाद जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस वक्त क्रिकेट अनफोल्ड पर हम लगातार कमेंट्स दोस्तों के ले रहे हैं, क्योंकि हमारी दूसरी स्ट्रीम पर कमेंट्स कम आ रहे हैं तो वहाँ से भी हम कमेंट ज़रूर आपके शामिल करेंगे। इस वक्त जिस तरह की भूमिका बनाई है गुजरात जायंट्स ने, यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने। क्रिकेट क्रेजी बॉय ऑफिशियल स्मृति मंधाना आज अटैक करेंगी। बिल्कुल जी, पिछले मैच में भी उन्होंने अटैक किया था लेकिन बहुत जल्दी आउट हो गई थी। किरण झा, मोहित, मुकेश कुमार, संजय सिंह और मट्टे आले
लव यू सर, अभी क्रिएशन, अंकित मिश्रा, कुमार विनोद, शिव कुमार, ये हमारे साथ महेंद्र सिंह भी हैं, गुजरात ही जीतेगा वो कहते हैं। तो आप तमाम लोगों की जो सोच है, देखते हैं कि कहां तक सही साबित होती है। और खिलाड़ी क्योंकि मैदान की तरफ अब बढ़ चुके हैं, बलकुराम भी हैं, मानसा पंजाब से हमारे साथ बलकुराम जी काफ़ी कमेंट करते रहे हैं। राजू कुमार हैं, सृष्टि क्लासेस बाय पीके सर, होली मुबारक, मुबारक हो आपको भी पीके सर। अरुण क्रिकेट लवर भी हमारे साथ, सुरेंद्र शेखावत, आरसीबी जीतेगी, आरसीबी के समर्थक अच्छे हैं और ये एक बड़ी अच्छी स्पिरिट मुझे नज़र आती है। जी हाँ, अच्छे का मतलब वही तादाद में ज़्यादा है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि अच्छे हैं वो ख़राब हैं, मतलब अच्छे खासे हैं ये कहना था। तो समर्थक तो सभी अच्छे हैं मोई जी। जी हाँ आसिम जी, शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ कर। बिल्कुल, आज आपकी टीम अच्छा खेली है तो बड़ा खुशी है। मैं तो वैसे ही बड़ा खुश होता हूँ भैया, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच है, इकबाल स्पोर्ट्स पर भी कमेंट्री आएगी, ये सोच करके मेरा दिल गदगद हो रहा है। चलिए आपकी शुभकामनाएं, 202 रनों की जरूरत, 120 गेंदों का आना बाकी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अनफोल्ड और क्रिकेट एस पर हम लगातार आपको कमेंट्री लेकर आ रहे हैं। गुजरात जायंट्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच इस मुकाबले को लेकर इस वक्त क्या अंदाज से अंपायर्स मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन की तरह कोई डायलॉग न डिलीवर कर दें। पहुँच रहे हैं मैदान पर और टीम्स हडल में खुश नज़र आती हुई गुजरात जायंट्स की टीम, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, हालांकि शायद 10 रन कम रह गए, लेकिन फिर भी 200 के पार का आंकड़ा आसान नहीं होता है बैटिंग करते हुए हासिल करना, 202 रनों की चुनौती। स्मृति मंधाना की आज काफ़ी अच्छी टेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी अच्छी परीक्षा है उनकी बल्लेबाजी की। कहां से कमेंट्री कर रहे हैं सर जी? सृष्टि क्लासेस पी के सर जी, हम दिल्ली से कर रहे हैं। राजू कुमार, मैं चयन का सपोर्ट हूँ और सर बहुत मेहनत सपोर्ट करता हूं कि कुछ में धोनी है, मैं चेन्नई का सपोर्टर हूं, तो चेन्नई की राजू कुमार टीम तो नहीं है, तो आप इन्हीं पांच टीमों में से कोई एक टीम चुन लीजिए जिसका सपोर्ट आप करिए। कमलेश बावरी जी हैं हमारे साथ, कर्णम सैनी हैं, आरसीबी जीतेगी। और गिरिराज डागर सर, मोदी जी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और शिव कुमार जी हैं, जवाहर चौहान, राजू कुमार, इंद्रजीत कुमार, अभी क्रिएशन, ये तमाम दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल मुकाबले की शुरुआत होनी है और बल्लेबाजी का पक्ष संभालने के लिए सोफिया डिवाइन, 342 मुकाबले, 9589 रन, 55 अर्धशतक हैं, 34 का एवरेज है, बड़ी दिग्गज खिलाड़ी, बड़ी पुरानी खिलाड़ी, बड़ी बजी हुई खिलाड़ी हैं T20 क्रिकेट की। और दूसरी तरफ टीम की कप्तान, बाएं हाथ के बल्लेबाज हरदिल अजीज स्मृति मंधाना, 248 T20 मुकाबले, 30 का औसत घटकर 29.6 का हो चुका है, 6300 से ज्यादा रन, 43 अर्धशतक। पिछले दिनों उनकी बल्लेबाजी कुछ बहुत बोल नहीं पाई, जिसकी वजह से उनका एवरेज जो है 31 से गिरकर 29.6 का हो चुका है। और बड़े जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने एवरेजेस, स्ट्राइक रेट्स का बड़ा ध्यान रखते हैं। सामने गेंदबाजी के लिए किम गार्थ, बड़ी बढ़िया गेंदबाजी करती हैं, मीडियम पेसर हैं, और उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज स्मृति मंधाना, पहले ही एक स्लिप लगा ली गई है, पॉइंट पर एक फील्डर मौजूद, मिड ऑन और मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और स्मृति मंधाना का सुनहरा हेलमेट इस वक्त रोशनी में चमक रहा है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी अगर बैंगलोर को यह मैच जिताना है। 202 रनों का लक्ष्य है और इस मुकाबले की दूसरी पारी की शुरुआत करने की कोशिश करती हुई इस वक्त गेंदबाज किम गार्थ। किम गार्थ पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बाहरी किनारे के बेहद करीब से ड्राइव के लिए गई थी स्मृति मंधाना, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्ताने में, सीम पर टप्पा खिलाया, उमदा गेंदबाजी, बीट किया बैट्समैन को। पहली गेंद दूसरी पारी की आ चुकी है, दूसरी गेंद के साथ अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार किम गार्थ, राइट आर्म मीडियम पेस गेंदबाजी, रफ्तार देखनी होगी क्या रखती है किम गार्थ। दौड़ना शुरू करती हुई सामने स्मृति मंधाना, फटकी हुई गेंद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद को पहुंचाया, पीछे फील्डर मौजूद, डंक लेने गेंद को थ्रो किया, दो रन लेने का मौका, गिरते पड़ते पैर फिसल गया था डंकले का और दो रन दौड़कर पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। बैंगलोर के इनिंग की शुरुआत होती हुई
किमगार्ड जिन्होंने यूपी के खिलाफ 36 रन देकर 5 विकेटें हासिल की थी, बहुत उम्दा आउट फिंगर्स किए थे उन्होंने और लगातार डेंट किया था यूपी वॉरियर्स को। पहली गेंद पर बोल्ड किया था सिमरन को, बेहतरीन यॉर्कर की थी। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर बाहर की तरफ गेंद जाती हुई अंपायर ने अपनी बाहें फैलाकर इशारा कर दिया कि वाइड है, एक रन और आता हुआ। 3 बोर्ड पर आ चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। यह मुकाबला ब्रेबॉन स्टेडियम के हरे भरे मैदान में खेला जा रहा है, बहुत ही ग्रीन मैदान, और एक चीज है कि जो विजुअल्स हैं बड़े क्लीन आ रहे हैं, कहीं से कोई धुंध का असर नहीं, कोई हेज का असर नहीं, बहुत क्लैरिटी है इस मुकाबले में। यह गेंद ब्लॉक होल में थी, पैड्स पे टकराई, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद दौड़ती हुई जा रही है 4 रनों के लिए। लेग बाई के रूप में ही चौका आएगा, लेकिन 4 रन आते हुए बैंगलोर के खाते में। स्मृति मंदाना के बूट्स में गेंद टकरा कर छिटक गई और फाइन लेग के बाहर 4 रन। ब्लॉक होल में गेंद की थी मंदाना, जो कि अपने कदमों का इस्तेमाल कर रही थी, आगे बढ़ रही थी उनको देखते हुए, लेकिन गेंद बैट पे ना सही, जूते पे टकरा कर चली गई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। किमगार्ड एक बार फिर अपने गेंदबाजी को जारी रखने के लिए पहला ओवर करने के लिए आई हुई है। ओवर की चौथी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कवर्स में गेंद को खेला, पीछे फील्डर लिया गया, बढ़िया फील्डिंग पोजिशनिंग, कवर से फील्डर को हटाकर पीछे लिया गया है, सही प्रोटेक्शन वहां पर, यही वो क्षेत्र है जहां से एक सिंगल मिला है स्मृति मंदाना को और यही अटैक करती हैं अगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें जाती हैं। बाएं हाथ की लंबे कद के खिलाड़ी हैं स्मृति मंदाना, काफ़ी दबाव उनके ऊपर, काफ़ी दारोमदार, काफ़ी जिम्मेदारी, टीम के जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर। किमगार्थ ओवर की 5वीं गेंद के साथ तैयार होती हुई, टीम बैंगलोर का स्कोर 8 बिना किसी विकेट के नुकसान के। ओवर की 5वीं गेंद के साथ किमगार्थ तैयार, सामने सोफिया डिवाइन पहली बार सामना करेंगी। गेंदबाज चली दौड़ना शुरू करती हुई, चली अंपायर को क्रॉस किया, यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन लेने का मौका। 9 रन, अच्छी शुरुआत बैंगलोर की, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, भले ही लेग बाई के रूप में, लेकिन चौका तो चौका है, मेडल तो मेडल होवे है, चाहे छोरी लाए चाहे छोरा, दंगल का ये डायलॉग है, तो चौका होवे है, चाहे लेग बाई के रूप में आए, बाई के रूप में आए, ओवर थ्रो के रूप में आए, चाहे बैट्समैन के खाते में जुड़े या ना जुड़े, बिल्कुल चाहे बल्ले के किनारे से आए, जहां से भी आए चौका तो चौका है। और जब आप इतना बड़ा लक्ष्य चेज कर रहे हैं तो फिर वो और ज्यादा अहम है। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को पुल किया गेंद, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर रोक ली गई, रन बनाने का कोई मौका नहीं, और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त हुआ आरसीबी की पारी में। पहले ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 9 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। अच्छी शुरुआत पहले ओवर में, हालांकि बल्ले से कम रन आए, ज्यादा रन अतिरिक्त के रूप में मिले हैं, लेकिन जैसा आसिम ने कहा कि रन तो रन होते हैं और इस वक्त रनों की बेहद सख्त जरूरत है बैंगलोर की टीम को। इस मुकाबले में अभी भी 193 रन दूर है आरसीबी की टीम, 10.16 रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रेट है और पहले ओवर में 9 रन बने हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल क्रिकेट अनफोल्ड पर। लगातार आप सभी दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस वक्त रोमांच भी इस मुकाबले में बढ़ता हुआ नजर आएगा इस मैच में, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य एक मजबूत टीम के सामने, जहां पर एक से एक धुरंधर नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और किमगार्थ ने अपना पहले ओवर में जहां 5 रन दिए, अब कन्वर आई हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण इस वक्त दूसरे ही ओवर से, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज हैं कन्वर, बाएं हाथ से राउंड द विकेट पहली गेंद, और इस पहली गेंद को जो कि लेग स्टंप पर थी ड्राइव किया ऑन साइड में, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में और जब तक वहां पर गेंद को फील्ड किया जाएगा एक रन लेने का मौका। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के आरसीबी का। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस मुकाबले में बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है। आज पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 201 रन बनाए और 202 रनों का लक्ष्य इस वक्त इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने। सोफिया डिवाइन 2 पर, स्मृति मंदाना अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, इस गेंद को उठाकर खेला हवा में, लेकिन मिड ऑफ पर न सिर्फ कैच छूटा बल्कि गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। स्मृति मंदाना को एक जीवनदान और जीवनदान के फलस्वरूप एक चौका भी मिलता हुआ
और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ आरसीबी का 14 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के आगे बढ़ करके उछाल कर खेला था और मिड ऑफ के फील्डर के ठीक जमीन पर सामने टप्पा खा गई। इस बार इस बीच अगली गेंद और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, इस गेंद को खेला जमीनी रास्ते से उसी दिशा में जहां पर मिड ऑफ पर कैच छूटा था पिछली बॉल पर, एक रन लेने की कोशिश लेकिन वहां रन है नहीं और ऐसे में स्कोर अभी भी 14 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। लक्ष्य इस मुकाबले में जीतने के लिए 202 रनों का है गुजरात के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को उछाल दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, इस बार बेहतरीन चौका स्मृति मंदाना के बल्ले से, कॉन्फिडेंट स्ट्रोक और इस चौके के साथ स्मृति मंदाना पहुंच गई हैं 11 की रन संख्या पर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। कन्वर की गेंद फुलर लेंथ की थी, ऑफ स्टंप के सामने हाफ वॉली पर लेकर उछाल दिया था मिड ऑफ पर एशले गार्डनर के सर के ऊपर से और बेहतरीन चौका निकलता हुआ कन्वर की गेंद पर स्मृति मंदाना का। दूसरा ओवर चल रहा है, आरसीबी की धमाकेदार शुरुआत, 1.4 ओवर में 18 रन बने हैं, रिक्वायर्ड रेट जितना है उससे ज्यादा मौजूदा रन गति है। अगली गेंद और इस बार फिर से हवा में उछाला और इस बार फिर से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में लेकिन वहां फील्डर मौजूद, सिर्फ एक रन मिलेगा इस बार स्मृति मंदाना को। इस एक रन की मदद से मंदाना पहुंच गई है 12 की रन संख्या पर और आरसीबी का स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अगर इस मुकाबले में आरसीबी को जीत दर्ज करनी है तो एक बड़ा पार्टनरशिप, एक बड़ी पार्टनरशिप करनी होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को इस मुकाबले में। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को एक कदम आगे निकाल करके ड्राइव किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन मिलेगा सोफी डिवाइन को और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब 20 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, दो ओवरों के बाद आरसीबी 20 बगैर किसी विकेट के नुकसान के, 202 रनों का लक्ष्य है और एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ शुरुआत दिखाई दे रही है यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की आसिम, लेकिन कप्तान थोड़ी सी हड़बड़ाहट में जरूर नजर आई है। बिल्कुल, और पहले ही उनको गुड लक चार्म मिल गया है, एक मौका बहुत करीबी था जिस पर आउट हो सकती थी और ऐसे मौकों की जरूरत है स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना की बल्लेबाजी का जो तरीका है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए कामयाबी हासिल करती है, लेकिन थोड़ा सा टिकना भी पड़ेगा इस आज क्रीज पर। दो ओवर्स में अच्छी शुरुआत, 20 रन, कोई क्षति नहीं अभी तक आरसीबी को पहुंची है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार सोफिया डिवाइन, दाएं हाथ की बल्लेबाज, 3 रन बनाकर खेलती हुई। सामने किम गार चली, आउटस्विंग डिलीवरी, बाहरी किनारा, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। आउटस्विंगर्स के साथ यही परेशानी है, T20 क्रिकेट में यूं ही नहीं नजारा धो रही आउटस्विंग गेंदबाजी, और ये जो शॉट्स लगते हैं इनसे गेंदबाज जो है वो सहम से जाते हैं और अपनी गेंदों को सीमित कर लेते हैं। एक आउट स्विंगिंग डिलीवरी, तेज बल्ला चलाया, बाहरी किनारा, स्लिप के ऊपर से गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। किम गार एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए अपने बॉलिंग के निशान की तरफ बढ़ती हुई, तेज रफ्तार भरता हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 24 पर पहुंच चुके हैं। 2.1 ओवर के बाद पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। लगातार चौकों की बरसात इन दोनों बल्लेबाजों ने कर दी है, स्कोर 28 और अभी तक 4 चौके, जबरदस्त प्रहार और किम गार्थ को 2 गेंदों पर 2 चौके मार दिए हैं सोफिया डिवाइन ने, दिग्गज बल्लेबाज सोफिया डिवाइन एक बार फिर से तैयार होती हुई, पावर प्ले का पूरा लुत्फ उठाती हुई। फायदा उठाना होगा अगर बैंगलोर को इस लक्ष्य को भेदना है तो पावर प्ले में जितने रन हो सकते हैं अर्जित करने होंगे। 2.2 ओवर्स के बाद 28, एक स्लिप के साथ अगली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव कर दिया, इस बार मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया। जी, और जिस तरह से किम गार्थ के खिलाफ आक्रमण किया है दोनों बल्लेबाजों ने आसिम, एक पॉजिटिव इंटेंट तो दिखाई दे रहा है, एक सकारात्मक अप्रोच के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी कर रही हैं और अगर ओपनिंग के रूप में पार्टनरशिप एक अच्छी हो जाती है तो फिर यकीनन इस मुकाबले में गुजरात ने बेशक 200 से ज्यादा रन बनाए हैं उनके भी पसीने उतर सकते हैं। बिल्कुल, पसीने उतर सकते हैं और बैंगलोर के पास कोई चारा भी नहीं है। जी हाँ, दो मुकाबले आगे और पीछे, बिल्कुल ये जो धारियां हैं इन धारियों को भरना होगा। 28 बिना किसी विकेट के नुकसान के, अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को ड्राइव कर दिया और बहुत उम्दा फील्डिंग, मानसी जोशी का जिक्र किया था इकबाल ने और लगता है सबक लेकर आई है फील्डिंग का। बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले मुकाबले में उन्होंने मिसफील्ड्स किए थे, आज जिस तरीके से यहां पर क्षेत्ररक्षण किया है उन्होंने, वाकई
बहुत ही आला क्षेत्ररक्षण यहां पर नजर आया। डाइव लगाते हुए फॉरवर्ड उन्होंने गेंद को झपट्टा मारते हुए रोका और एक शर्तिया चौका अपनी टीम के लिए बचाया है मानसी जोशी ने। जी हाँ, तो अच्छी शुरुआत होती हुई फील्डिंग करते हुए मानसी जोशी की। मीडियम पेसर हैं, गेंदबाजी भी करनी होगी। सोफिया डिवाइन ने पूरी ताकत से बल्ला चलाया था 28 बिना किसी विकेट के नुकसान के। दो चौके पहली दो गेंदों पर, उसके बाद दो खाली गेंदे ओवर की पांचवी गेंद के साथ। किम गार्थ दाएं हाथ की तेज गेंदबाज, स्विंग गेंदबाजी करती हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गेंद, कट कर दिया, गेंद जा रही है स्वीपर और बाउंड्री की तरफ। पीछे मौजूद है डंकले और एक रन, एक रन। जी हाँ, 29 एक विकेट के, बल्कि बिना किसी विकेट के नुकसान के। बैंगलोर का स्कोर 101 किलोमीटर की रफ्तार में कमी की थी किम गार्थ ने। खूबसूरत नजारे इस वक्त मैदान पर, काफी ग्रीन नजर आता हुआ ये मैदान, लश ग्रीन गद्देदार मैदान। गेंदबाजी के लिए तैयार किम गार्थ 34 नंबर की जर्सी पहने हुए। इस बीच कवर्स में गेंद को खेला, चार रन। स्मृति मंधाना ने दोनों टांगे ऐसे फैलाई जैसे सौरव गांगुली, और गेंद को उसी इलाके से निकाला जैसे सौरव गांगुली निकालते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और जिस प्रकार से स्मृति मंधाना बल्लेबाजी करती हैं, इस टूर्नामेंट में हमने पहली बार उनको इतना करीब से देखा है भारत के लिए खेलते हुए। या तो हम जब कवरेज लेकर आए तो जल्दी आउट हो गई, लेकिन आज जिस इस टूर्नामेंट में जब हम देख रहे हैं स्मृति मंधाना को, तो वाकई इतना रिजम्बलेंस है सौरव गांगुली की बल्लेबाजी से कि क्या कहने। ओवर समाप्त हो गया है तीसरा, और तीन ओवरों के बाद आरसीबी का स्कोर है 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, यानी कि रिक्वायर्ड रेट 9.94 का और मौजूदा रन गति 11 रन प्रति ओवर का। क्या जबरदस्त शुरुआत इस वक्त स्मृति मंधाना और सोफिया डिवाइन ने दिलाई है आरसीबी को। बिल्कुल, बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई है। अपनी विकेटों को बचा कर रखना होगा। स्मृति मंधाना को पता है कि आज बड़ी जिम्मेदारी, दो मैचेस पीछे हार कर आ रही हैं और ये करो मरो की स्थिति बन रही है। अगर ये मुकाबला हारती हैं तो टॉप टू की, टॉप थ्री की, टॉप फोर की रेस से मुश्किल हो जाएगी उनको, क्योंकि हर टीम को एक जीत मिल जाएगी, ये अकलौती टीम हारी हुई नजर आएगी। 33 रन एशले गार्डनर गेंदबाजी के लिए आ चुकी है। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को लेकर घूमी गेंद, विकेट बाउंड्री के बाहर, चार रन। इस बार सोफिया डिवाइन को अपने पावर का पूरा फल मिला, चौका मार दिया मिड विकेट के बाहर। सोफिया डिवाइन जो कि पिछले काफी देर से काफी ताकतवर प्रहार कर रही थी, लेकिन कभी मानसी जोशी सामने आ जा रही थी तो कहीं मिड विकेट पर फील्डर सामने आ जा रहा था। इस बार गैप मिला, चार रन, धुआंधार बल्लेबाजी। ऑफ स्टंप की लाइन, अच्छी गेंद, हल्के हाथों से कट किया इसे, पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया। थोड़ी सी शांति मुकाबले में आती हुई, रन नहीं आया कोई। तेज शुरुआत, काफी तेज शुरुआत होती हुई बैंगलोर की जानिब से। ऐसी शुरुआत की जरूरत है बैंगलोर को। ओवर की तीसरी गेंद, एशले गार्डनर कदमों का इस्तेमाल, गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद की रफ्तार को कम कर दिया और एक रन लेने का मौका। पीछे बैकअप दे रही थी मानसी जोशी, 38 बिना किसी विकेट के नुकसान के। एशले गार्डनर जो कि ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, आज बल्लेबाजी में जौहर दिखाई रही थी कि आउट हो गई, स्टंप आउट हुई थी। अब गेंदबाजी में उनको अपनी कला का परिचय देना होगा। बैंगलोर इस मुकाबले की बहुत उम्दा शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है, और स्मृति मंधाना और सोफिया डिवाइन ने जिस तरह से बल्ले को चलाया है, जिस तरह से अटैक किया है, इरादे साफ हैं, अटैक ही होता रहेगा। ऑफ स्टंप के बाहर हवा में गेंद थी, पॉइंट पर खतरा हो सकता था। गेंद एक मीटर आगे टप्पा खाती हुई और रन आउट का खतरा। दोनों तरफ से किस्मत मेहरबान, रन आउट भी बचता हुआ। एश गार्डनर विकेटों से दूर रह गई, गेंद को गैदर करते हुए उनको मुश्किल हुई और विकेटों में दे मारने में भी मुश्किल हुई। और इस बीच एक रन दौड़कर पूरा करने की जो कोशिश की थी बल्लेबाजों ने, पूरी कर तो ली। स्मृति मंधाना की किस्मत कितनी आज मेहरबान है, बहुत दूर रह गई थी। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को ड्रिल किया मानसी जोशी। 30 गज के मुहाने पर खड़ी हुई है मिड ऑफ पर और लगातार अपने आप को फैला कर गिरा कर गेंदों को रोकती हुई। 39 बिना किसी विकेट के नुकसान के, थोड़ी सी रफ्तार में कमी इस ओवर में आती हुई। ओवर की अगली गेंद गार्डनर की, इस बार फिर से ब्लॉक होल में। इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन के लिए। आज श्रेयंका पाटिल की गेंदबाजी एक मॉडल होगी जिसको फॉलो अप करना पड़ेगा गुजरात जायंट्स की गेंदबाजों को। जिस तरह से उन्होंने ब्लॉक होल में अंतिम ओवर्स में गेंदबाजी की, निश्चित तौर पर 10 से 15 रन खींच लिए पीछे बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स के।
और वही रणनीति अपनानी होगी। ब्लॉक होल में गेंदे करेंगे तो बढ़िया, क्योंकि बाउंड्रीज छोटी हैं और इस पिच पर बहुत ट्रू बाउंस है, थ्रू द लाइन बल्लेबाजी करना बहुत आसान है। ऐसे में आपके पास एक्स्ट्रा पेस वाला कोई पेसर अगर हो तब तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन बैटिंग करना बेहद आसान और पूरे चांसेस हैं बैंगलोर के लिए भी, दरवाजे खुले हुए हैं उम्मीद के। इकबाल जी हाँ बिल्कुल, अगर आप मैदान पर टिकती हैं, अगर आप मैदान पर थोड़ी देर तक खड़ी रहती हैं तो फिर आपके लिए रन बनेंगे, और इसका एक मिसाल आप पहली पारी से ले सकते हैं। अगर आपने रुकने की कोशिश की, पिच में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि आपको परेशानी होगी, अगर आप गेंदों को टाइम अच्छा करें आपको रन्स मिलेंगे, आपको बाउंड्रीज मिलेगी। तो ऐसे में यहां पर एक बढ़िया स्थिति में बैंगलोर की टीम नजर आ रही है। इस रनचेज में जो चाहिए उनको वो उनसे अब तक हो पाया है। 18 पर डिवाइन और स्मृति मंदाना बल्लेबाजी कर रही हैं 17 रन बना करके। इस वक्त गेंदबाजी में सदरलैंड आ रही हैं, एनाबेल सदरलैंड गेंदबाजी करने के लिए आती हुई। ये पारी का पांचवा ओवर होगा। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप पर थी, ऑन साइड में इस गेंद को टर्न कर दिया, मिड विकेट की दिशा में एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट रही है गेंद, बाउंड्री की लाइन की तरफ जाती हुई और इसके साथ ही गेंद बाउंड्री लाइन से टकरा गई। 4 रन, झपट्टा मारते हुए इस गेंद को रोकने की कोशिश जरूर की गई फील्डर के द्वारा, लेकिन गेंद हाथ से टकराने के बाद छिटक करके बाउंड्री रोप को किस करती हुई, और ऐसे में चौका मिलता हुआ सोफिया डिवाइन को, और इस चौके के साथ बैंगलोर का स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। सॉफ्ट हैंड के साथ टर्न भर किया था गेंद को मिड विकेट पर, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद गई और गेंद जाकर के बाउंड्री रोप से टकराई थी। हालांकि कोशिश के फुल मार्क्स, लेकिन चौका बचाने में नाकामयाब, और ऐसे में हालांकि बाउंड्री चेक अभी की जा रही है, लेकिन न जाने किस बात के लिए बाउंड्री चेक की जा रही है, चौका साफ तौर पर है, और ऐसे में तीसरे अंपायर से कंसल्ट करने के बाद अब दोबारा से यहां चौका घोषित कर दिया ऑन फील्ड अंपायर ने, और इसके साथ ही अब सोफिया डिवाइन एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 22 पर सोफिया डिवाइन 14 गेंदों का सामना करने के बाद, और स्मृति मंदाना 17 पर। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, एनाबेल सदरलैंड की अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को उठाकर खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर से, और गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, गुजरात को ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। सोफिया डिवाइन फुलर लेंथ की डिलीवरी ऑफ स्टंप के सामने हाफ वॉली पर लिया, बॉलर के सर के ऊपर से गोली की तरह इस गेंद को निकाल दिया 4 रन के लिए। इस चौके के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 48 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। सोफिया डिवाइन 26 पर 15 गेंदों का सामना करने के बाद 5 चौकों की मदद से। अगली गेंद एनाबेल सदरलैंड की, और एक बार फिर से आड़े बल्ले से खेला बॉलर के सर के ऊपर से, और एक और चौका। धुआंधार बल्लेबाजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से, और इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 50 रन भी पूरे हो गए। आड़े बल्ले से इस शॉर्ट पिच डिलीवरी को खेला था, और एनाबेल सदरलैंड गेंद को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, अपना चेहरा बचा रही थी, जिस झन्नाटेदार अंदाज में इस शॉट को खेला था बल्लेबाज सोफिया डिवाइन ने। आसिम, लगातार प्रहार जारी है और यही जरूरी भी है बैंगलोर के लिए। चेहरों पर खुशी लौटती हुई डगआउट में, सानिया मिर्जा खिलाड़ियों के साथ मुस्कुराती हुई बकअप करती हुई अपने बल्लेबाजों को। ओवर की चौथी गेंद फुल टॉस थी, मिड विकेट की तरफ मोड़ दिया, और बाउंड्री पर मौजूद थी किमगार्ड जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक रन लेने का मौका। 113 किलोमीटर की रफ्तार, 53 बिना किसी विकेट के नुकसान के, बेहतरीन कारकर्दगी, बढ़िया प्रदर्शन होता हुआ, और सदरलैंड बिल्कुल अपने चेहरे को बचाती हुई, बिल्कुल गोली की रफ्तार से ये शॉट आता हुआ 53 बिना किसी विकेट के नुकसान के। अगली गेंद के साथ ओवर की पांचवी गेंद लेकर दौड़ती हुई, ये गेंद पटकी हुई थी लेकर घूम गई स्मृति मंदाना, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, गेंद जाएगी या नहीं, बाउंड्री पर गेंद को रोका गया, रन लेने की कोशिश दूसरा, लेकिन मना कर दिया गया अंपायर ने, तीसरे अंपायर की मदद मांगी है। सोफिया डंकली ने क्या सफाई से गेंद को रोका या नहीं, लगातार चौके पड़ते हुए, जैसे शुरुआत हुई थी डंकली के द्वारा वैसे ही शुरुआत दी है मंदना और डिवाइन की जोड़ी ने। स्मृति मंदना और सोफिया डिवाइन इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कट किया, बैकवर्ड पॉइंट पर रोका गया, रन नहीं मिलेगा। 54 5 ओवर्स के बाद कुछ इसी तरह से पावर प्ले की शुरुआत की थी
गुजरात जाइंट्स ने और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी शेर को सवा शेर का जवाब देने की कोशिश की है। आज इस मुकाबले का विजेता कौन होगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल। जिस तरह की शुरुआत, जिस तरह से रिक्वायर्ड रेट को फंसा कर रखा है, जितने रनों की दरकार उतनी ही रफ्तार रखी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। रॉक इंग्लिश क्लासेस कहते हैं आरसीबी। शमशाद अहमद हैं, ब्रजेश मीना, नानजी भाई हमारे साथ, खान खान हमारे साथ। अगले गेंद, अगले ओवर की शुरुआत की है एशले गार्डनर ने। ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को कवर्स में खेला बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने। कोई रन नहीं मिलेगा। प्रियंका प्रजापति, आई डोंट नो बट आरसीबी अच्छा प्लेयर पर बोली लगाता है, खरीदारी है बट ट्रॉफी नहीं आती है नसीब में। देखो विमेन आरसीबी टीम क्या करती है। और इस वक्त गेंदबाजी की जारी रखते हुए इस बार हवा में खेला स्मृति मंदाना ने, आउट होने का खतरा, और नीचे कैच कर लिया मानसी जोशी ने। स्मृति मंदाना 18 रन बनाकर आउट। बेंगलोर की पहली विकेट जाती हुई, हवा में खेला हुआ शॉट, गेंद हवा में गई, फिजा में लटक गई और मिड ऑन पर खड़ी फील्डर ने गेंद को कैच किया। मानसी जोशी का यह कैच, स्मृति मंदाना एक बार फिर से मात्र 18 रन बनाकर आउट। 14 गेंदों का सामना किया, वापस जाती हुई मंदाना। बहुत बड़ा झटका लगा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। जिस बात का खदशा था, जिस बात की उम्मीद जताई जा रही थी, उस बात को सच करती हुई मंदाना एक बार फिर से। आज दो दो मौके मिले उनको, रनआउट से बची, कैच से बची। आज तो उनके लिए लकी चार्म होना चाहिए था, किस्मत मेहरबान थी, लेकिन लगातार लूज शॉट्स खेलने की कोशिश। हवा में स्पिन गेंदबाज एश गार्डनर की गेंद पर थर ली गई और गुजरात को लग गई एक बड़ी मछली हाथ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तान मात खाती हुई इस मुकाबले में। अगले बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है एश पेरी। इस वक्त एलिस पेरी बल्लेबाजी के लिए आई है। 328 मुकाबलों में 6,393 रन, 40 का औसत, 39 अर्धशतक। सामने एश गार्डनर, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से ड्राइव कर दिया, गैप निकाला, चार रन। एलिस पेरी के बल्ले से चौका। रफ्तार को कायम रखना है बैंगलोर को, यह मैच जीतना है तो रफ्तार को कम नहीं करना है, आज दम लगाना है, आज हर कोशिश करनी है, हर प्रयास करना है यह मैच जीतने के लिए। दोनों ही टीमें हर प्रयास करती हुई। इस बीच ऑफ स्टंप की लाइन बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में मोड़कर एक रन पूरा किया चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने। बैंगलोर का स्कोर हो गया 59 एक विकेट के नुकसान पर। स्मृति मंदाना खड़े खड़े शॉट खेल बैठी, लूज शॉट, ऐसे शॉट की उम्मीद नहीं की जा सकती उनसे। और एक बहुत आसान कैच मानसी जोशी ने पूरा किया। ओवर की अंतिम गेंद, पावर प्ले की अंतिम गेंद, कवर्स में खेला, सामने किम गार्थ मौजूद, कोई रन नहीं। बढ़िया वापसी एश गार्डनर के द्वारा, दो ओवर्स में 12 रन, एक सफलता। और स्मृति मंदाना डगआउट में जाकर बैठी हैं निराश हताश। कौन होगा जो बैंगलोर की नैया पार कराएगा? क्या सोफिया डिवाइन जैसे इतने बड़े कद की खिलाड़ी आज वो काम करेंगी जो तहलिया मैग्रा ने किया था, वो काम करेंगी जो ग्रेस हैरिस ने किया था? मैच विनिंग पारी खेलनी होगी। मोहम्मद फाजिल कुरैशी, मार्मी पराशर, पूनम कुमारी, क्या महिला टीम का ट्रॉली मुंबई से बाहर खेलने के लिए नहीं आएगा? तब जाकर असली परीक्षा होगी। जी हाँ, इस बार दो तीन मैदानों पर ही इस सीजन को रखा गया है। अगले सीजन से उम्मीद है कि दूसरे मैदानों पर भी हो सकेंगे मैच। संजय कुमार जी हैं आज के खेल में कॉमेंट्री के साथ, प्लेइंग का भी देखने में अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपको मार्मिक पराशर, मोहम्मद फाजिल कुरैशी, अंकिता पांडे। और इस वक्त 59 एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से कन्वर तैयार, तनुजा कन्वर। 90 विकेटें ली हैं T20 क्रिकेट में। ऑफ स्टंप की लाइन, इस गेंद को वाइडिश मिडॉन की तरफ खेला एक रन के लिए बल्लेबाज एलिस पेरी ने। 6 पर पहुंची एलिस पेरी। सोफिया डिवाइन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। स्मृति मंदाना 18 रन बनाकर आउट हो चुकी हैं। बैंगलोर का स्कोर 60 एक विकेट के नुकसान पर। सबसे महंगी खिलाड़ी हैं इस
लीग की स्मृति मानधना। यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कवर्स में खेला, मिस फील्डिंग मानसी जोशी ने एक बार फिर से की, लेकिन पीछे क्योंकि स्नेह राणा मौजूद थी, सिर्फ एक रन लेने का मौका। 61 एक विकेट के नुकसान पर जैसे ही विकेट गिरी है वैसे ही ब्रेक भी लग गया है स्कोरिंग पर। जो रफ्तार बांधी थी मंधना और डिवाइन ने विकेट गिरने के बाद कमजोरी नजर आती हुई, इस बीच लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर एक रन पूरा किया, एक रन मिलता हुआ। कमजोरी है तो टॉनिक की जरूरत है, क्या सोफिया डिवाइन या फिर एलिस पेरी, जिनको कि एलिस पेरी को आज काफी रन पड़े, चौके छक्के पड़े उनकी तेज गेंदों पर, आज वो टॉनिक दे पाएंगी बैंगलोर को? बिल्कुल दे पाएंगे, जिस प्रकार की बल्लेबाजी वो करी है अभी तक आने आते ही, जिस प्रकार की उन्होंने शॉट्स खेले हैं जरूर वैसा करने में कामयाब होंगी। अगली गेंद डॉट डिलीवरी और इस तरह से स्कोर अभी भी 62 एक विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। 7 पर खेल रही हैं एलिस पेरी और 32 पर बल्लेबाजी करते हुए सोफिया डिवाइन। अगली गेंद और इस बार कन्वर की गेंद को जमीन से खोद कर निकाला, मानो बिल्कुल बल्ले के जड़ पर यह गेंद फेंकी थी। श्रेयांका जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रही थी बैंगलोर के लिए उसी प्रकार की गेंदबाजी कन्वर कर रही हैं। और अगली गेंद के साथ एक बार फिर से कन्वर तैयार, ये गेंद और इस बार इस गेंद को फिर से कट किया लेकिन सीधे फील्डर के पास, एक और डॉट डिलीवरी। सोफिया डिवाइन को बांध कर रखा है इस ओवर में कन्वर ने और इस ओवर के अंदर 3 रन मात्र आए हैं। ओवर समाप्त हुआ 7 ओवरों के बाद 62 एक विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। 78 गेंदें हैं, 140 रनों की आवश्यकता, एक ही विकेट गिरा है, सिर्फ स्मृति मंधाना आउट हुई हैं। एक से एक दिग्गज बल्लेबाज इस टीम के अंदर हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई चिंता की बात है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। हाँ, स्मृति मंधाना होती तो बात कुछ और हो सकती थी, क्योंकि आप प्लेइंग 11 एक बार फिर से देख लीजिए, स्मृति मंधाना आउट हो चुकी हैं, सोफिया डिवाइन खेल रही हैं, एलिस पेरी खेल रही हैं, अभी मैदान पर हैं। आने वाले बल्लेबाजों में हीथर नाइट, पूनम, ऋचा घोष जो कि सबसे बड़ा एक्स फैक्टर इस टीम का मानी जा रही हैं, ऋचा घोष वो हैं। आहूजा और श्रेयांका ने भी पिछले मुकाबले में बेहतरीन बैटिंग की थी, तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास, सिर्फ यहां पर रुकने की आवश्यकता है क्रीज पर। नए ओवर की शुरुआत, कप्तान स्नेह राणा अब आ गई हैं गेंदबाजी करने के लिए। 114वां मैच है स्नेह राणा का T20 फॉर्मेट में। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पहली गेंद स्नेह राणा की, बैक टू द बॉलर ड्राइव किया, अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, कोई रन बनाने का मौका नहीं वहां बल्लेबाज एलिस पेरी के पास। लो फुल टॉस पर लेकर ड्राइव किया था लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं। अगली गेंद स्नेह राणा की, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामने एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज, सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस पर कन्वर्ट करते हुए इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सिर्फ एक रन मिलेगा और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 63 रन एक विकेट के नुकसान पर। 7.2 ओवर का खेल हुआ है, रनों की रफ्तार में थोड़ी गिरावट जरूर देखी जा रही है, 8.59 का रन रेट चल रहा है। कल जबरदस्त मुकाबला, ब्लॉकबस्टर मुकाबला मुंबई और दिल्ली आमने सामने होंगे इस ओवर की अगली गेंद और इस बार स्नेह राणा की अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के सामने, बल्लेबाज को देख लिया था थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ हटते हुए, रूम बनाते हुए, ऐसे में गेंदबाज ने बल्लेबाज का पीछा किया और बिल्कुल बल्ले के जड़ पर गेंद कराई, बैक टू द बॉलर खेलने के अलावा और कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास। अगली गेंद स्नेह राणा की और इस बार इस गेंद को खेल दिया फुल टॉस बना करके हवा में, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर, हालांकि वहां फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक रन मिलेगा और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 64 रन एक विकेट के नुकसान पर। सोफिया डिवाइन 33 पर 25 गेंदों का सामना करने के बाद 6 चौके लगाए हैं उन्होंने अपनी पारी में और उनके साथ एलिस पेरी बल्लेबाजी कर रही हैं और एलिस पेरी की अगर बात करें तो उन्होंने अभी तक 8 रन बनाए हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद बल्कि 5वीं गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, दरअसल मिड ऑन पर 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका गया, रन बनाने का इस बार भी कोई मौका नहीं एलिस पेरी के पास। एलिस पेरी 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेल रही हैं। आने वाले बल्लेबाजों में हीथर नाइट जो कि इंग्लैंड की हैं, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर सकती हैं। अगली गेंद स्नेह राणा की और इस बार बैकफुट पर अटते हुए इस गेंद को तिरछे बल्ले से खेला बैकफुट पॉइंट पर, बढ़िया फील्डिंग लेकिन हालांकि गेंद छिटक गई हाथ से टकरा करके और इस बीच दौड़ करके इधर 2 रन पूरे कर लेने का मौका एलिस पेरी के पास। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 66 रन एक विकेट के नुकसान पर और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ स्नेह राणा का। कप्तान स्नेह राणा का पहला ओवर काफी अच्छा रहा, 4 रन सिर्फ आए, पहली 5 गेंदों पर तो सिर्फ 2 रन दिए थे, आखिरी गेंद पर 2 रन आए और ऐसे में 8 ओवरों के बाद
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 66 एक विकेट के नुकसान पर, लक्ष्य 202 रनों का, 72 गेंदों पर 136 रनों की आवश्यकता, 9 विकेट हाथ पर। और ऐसे में ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा आने वाले समय में, क्योंकि विकेटें हाथ पर हैं, हाथ में हैं, और ऐसे में रिक्वायर्ड रेट अगर 11-11.5 के आसपास भी है तो कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए मेरी नजर में आसिम। जी हाँ बिल्कुल, रिक्वायर्ड रेट की बात तो बहुत सही है कि रिक्वायर्ड रेट जो है अगर आपने मेंटेन कर रखा है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। 72 गेंदों में 136 रनों की ज़रूरत है, और इन खिलाड़ियों को एक चीज़ करनी होगी, वो ये कि मोमेंटम जो है वो कायम रखना होगा, जो इस वक्त वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट, जो स्पीड, जो फोर्स है उसको बरकरार रखना होगा। 66 एक विकेट के नुकसान पर एनएबल सदरलैंड अगले ओवर की शुरुआत करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को मिड विकेट की तरफ मोड़ दिया, एक रन लेने का मौका, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, सिंगल आता हुआ, बैंगलोर का स्कोर इस सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ 67 एक विकेट के नुकसान पर। जरूर थोड़ा सा रनों की रफ्तार में धीमापन आया है, जिस तरह से मंदना का विकेट गिरा आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा दबाव में बैंगलोर की टीम नजर आ रही है। आज हरलीन देओल के जो स्कोर अर्धशतक ने उनको टॉप 5 में जगह दे दी है, तीसरे नंबर पर मौजूद हैं इस वक्त अपने रनों को लेकर, जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं इस WPL में, उसमें तीसरे नंबर पर आ गई हरलीन देओल। इस बीच फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन, लेग स्टंप की लाइन में, वही लाइन जहां पर एलिस पेरी ने गेंदबाजी की थी, अब खुद गेंदबाजी का स्वाद मिला है उनको और इस गेंद को पहुंचा दिया फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। सोफिया डिवाइन 34 रन, एलिस पेरी इस चौके की मदद से पहुंची 14 पर 10 गेंदों में। आप सुन रहे हैं क्रिकेट अनफोल्ड, इस वक्त आपने ट्यून इन किया है कमेंट्री, अगर आपको कमेंट्री अच्छी लग रही है दोस्तों, पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके सब्सक्राइब करने से हमें जरूर मजबूती मिलती है, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर कमेंट्री अच्छी लग रही है। अगली गेंद के साथ एनाबेल की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, पॉइंट पर खराब फील्डिंग, जहां रन नहीं था वहां पर एक रन दे दिया और इस सिंगल की मदद से बैंगलोर का स्कोर हो गया 72 एक विकेट के नुकसान पर। इस वक्त दो बल्लेबाज, दो दिग्गज बल्लेबाज, दो विश्व क्रिकेट की महिला क्रिकेट सर्किट में दो बहुत ही नायाब खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद हैं बल्लेबाजी करते हुए, और ये WPL की उपलब्धि है, दुनिया के सबसे करीब खिलाड़ियों को एक जगह जमा किया है और WPL का आगाज किया है। 72 पर एक ओवर की चौथी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गेंद, इस गेंद को कवर्स में खेला मानसी जोशी ने, फील्ड किया गेंद को, एक रन लेने का मौका। मानसी जोशी की वो अच्छी क्लास ली है फील्डिंग कोच ने, लगता है बहुत प्रैक्टिस कराई है, पिछले मुकाबले में 3 चौके इन्होंने जो छोड़े थे वो ओवर रन करके, यानी गेंद जब बाउंड्री, जब शॉट खेला जाता है आउटफील्ड में बाउंड्री लाइन के करीब, कई बार गेंद जब हवा में आकर टप्पा खाकर घूम जाती है दूसरी तरफ और फील्डर जो है वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इस बीच सदरलैंड की यह गेंद ऑफ स्टंप की लाइन थी, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला, रन लेने का मौका नहीं, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। एलिस पेरी 12 गेंदों में 15 रन बनाकर बैटिंग कर रही हैं। खूबसूरत मैदान ब्रेबोर्न स्टेडियम बस इतना ही करीब है कि समंदर का साहिल पीछे चमकता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेबोर्न स्टेडियम तेज रोशनी में इस मुकाबले को खेला जा रहा है, ये जबरदस्त WPL का आगाज हुआ है, ये पहला सीजन, हिस्ट्री इन द मेकिंग, 73 एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इस बार कदम का इस्तेमाल, गेंद को पुल कर दिया, धीमी गेंद थी, बाउंड्री पर उमदा फील्डिंग एश गार्डनर की, एक टप्पे पर गेंद को रोका, तीसरे अंपायर की मदद अब ली जाएगी कि क्या पैर कहीं कांटेक्ट में तो नहीं आया था बाउंड्री के, हालांकि बहुत उमदा फील्डिंग की है एशले गार्डनर ने। ऑलराउंड क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया से आती हैं और तीसरे अंपायर की मदद अब ली जा रही है 74 एक विकेट के नुकसान पर 9 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद, और देखना है कि क्या इशारा आता है। बहरहाल रन एक ही दिया जाएगा, राकेश पोद्दार 15 ओवर्स तक विकेट नहीं जाना चाहिए। मामचंद गुप्ता गुजरात विन करेगा, अनुज सिंह कहते हैं पेरी आज 70 रन बनाएगी, अमरजीत वर्मा है, आज होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। 9 ओवर्स के बाद बैंगलोर का स्कोर 74 एक विकेट के नुकसान पर, अब बचे हुए 11 ओवर्स में 128 रनों की जरूरत है। ये ऐसा टारगेट है जिसमें आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार अटैक करना है, आपको हर ओवर में 10 रन 12 रन हासिल करने ही करने हैं। जी हाँ, और होता क्या है कि चीज़ें स्कैटर्ड हो जाती हैं, यहीं से लोग और फैल जाते हैं, डिवीजन एक तरह से हो जाता है। एलिस पेरी 16 रन बनाकर
सोफिया डिवाइन 35 रन बनाकर बैटिंग कर रही हैं और 9 ओवर्स में 74 रन कर लिए हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। करो या मरो की स्थिति तक ना पहुंचे बैंगलोर, ये अगर मुकाबला नहीं जीतते हैं तो फिर वो उस स्थिति में पहुंचने के काबिल तो हो ही जाएंगे, जिस तरह से अभी तक 2 मुकाबले हारी है बैंगलोर। और यकीनन इन दोनों टीमों में अग्रणी रही है गुजरात, जिन्होंने कि एक मैच बहुत करीब, एक जीत के करीब पहुंचकर उन्होंने हार का सामना किया था, जब यूपी के लिए ग्रेस हैरिस ने एक आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसी पारी खेल दी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करते हुए यूपी वॉरियर्स को या उत्तर प्रदेश को जीत दिलाई थी। शाकिर अली सऊदी अरबिया से हमें सुन रहे हैं, अनुज सिंह लगातार कॉमेंट कर रहे हैं, राकेश पौदार हैं, राहुल कुमार हैं, मामचंद जी हैं, भास्कर पोटे कहते हैं मोदी जी नमस्ते, नमस्ते जी आपको भी, और लगातार हमारे साथ इस वक्त स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं। इस वक्त ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है मैदान पर और तमाम साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपने अगर पहली बार कमेंट्री को ट्यून इन किया दोस्तों, कमेंट्री अगर ठीक लग रही है तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मजबूती मिलेगी, यह हमारी कोशिश है, एक प्रयास है कि हम आपको ऑथेंटिक कमेंट्री पहुंचा सकें आप तक। प्रदीप गबाने जी हैं रॉयल कॉमेडी शिवाजी मुंबई से, और कांति भाटिया हमारे साथ हैं, प्रहलाद सिंह यादव हैं बुंदेलखंड महोबा से, ऑल नॉलेज विद धर्मेंद्र सर्कल हैप्पी होली कहते हैं, हैप्पी होली जी, आप तमाम लोगों को होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी जिंदगियों में भी होली के रंग चढ़ जाएं और आपकी ज़िंदगी कभी बेरंग ना हो, इस बात की हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं। आप सुन रहे हैं क्रिकेट अनफोल्ड, लगातार ये कमेंट्री आप तक पहुंच रही है इस चैनल के माध्यम से। इस वक्त ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हो चुका है और मुकाबला एक बार फिर से शुरू होने वाला है, लगातार परिश्रम करना होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, लगातार चौके मारने होंगे, छक्के मारने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। 9 ओवर्स के बाद 74 रन, बहुत अच्छी तो शुरुआत है लेकिन क्योंकि 202 रन बनाने हैं तो रिक्वायर्ड रेट हमेशा ही ऊपर रहा है। दीपक यादव कहते हैं कमेंट्री हो तो ऐसी, पटेल स्मिथ जी हैं हमारे साथ, टीपो सुल्तान हमारे साथ हैं, 66 गेंदों में 128 रनों की ज़रूरत है, शंभुनाथ कंवर भी हमारे साथ हैं कहते हैं आरसीबी जीतेगी। तो अब पहली गेंद 10वें ओवर की शुरुआत हो रही है, गेंदबाजी करने के लिए आ रही हैं स्नेह राणा जो कि ऑफ ब्रेक गेंदबाज, पहली गेंद ब्लॉक होल में, अच्छी गेंदबाजी और इस बार इतना तेज शॉट खेला था एलिस पेरी ने कि अपने फॉलो थ्रू में गेंद को तो रोका लेकिन दर्द से करा उठी, हथेलियों पर गेंद टकराई और एलिस पेरी भी मंद मंद मुस्कुराहट के साथ, उनको भी मजा आया जैसे जले पे नमक छिड़का उन्होंने। 74 एक विकेट के नुकसान पर बड़े बराबरी का कांटे का मुकाबला चल रहा है ब्रेबोर्न स्टेडियम में, बिल्कुल हार नहीं मानना है। और इस वक्त बॉलिंग कोच जो है नौशीन अली खादर हैं गुजरात की, और चोट गहरी लग गई है स्नेह राणा को, फिजियो को बुला लिया गया है, बहुत तेज शॉट खेला था, फुल टॉस बनाया था, ब्लॉक होल की ये गेंद थी और सीधा गेंद कैच की कोशिश की थी स्नेह राणा ने, गेंद हाथ से छिटक गई थी और जी नहीं, एक टप्पे पर गेंद आई थी तो बाल बाल बचती हुई, हाथ में चोट जरूर लगी है और अब फिजियो इस वक्त मैदान पर हैं। जितेंद्र यादव जी हैं हमारे साथ और कह रहे हैं कि मोदी जी डायलॉग बोलो, कौन कह रहे हैं डायलॉग बोलने के लिए भैया? जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? मित्रों अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब भैया चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूं भाई और बहनों, अगर मांगता हूं तो मैं सिर्फ आपसे एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मांगता हूं, क्या आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद जावेद, बहुत अच्छी कमेंट्री है सर, दिल्ली से सुन रहा हूं, हम दिल्ली से बोल भी रहे हैं। प्रमोद यादव, सुधाकर सिंह, दीपा पाठक, इस वक्त प्रमोद यादव भी हमारे साथ हैं, हसमुख संदेशा जी हैं, हैप्पी होली मोदी जी, हैप्पी होली जी, और विजय मिश्रा कमेंट्री सुपर कमेंट्री, शंभुनाथ कंवर हैं हमारे साथ, सिंगर रोशन सिंह, शानू अंसारी, शिवाजी वाबले हमारे साथ हैं, दीपक यादव, सावित्र धोबी, बहुत मज़ा देते हैं मोदी जी आपकी आवाज़ से मोहम्मद जावेद हैं कहते हैं, आपने पूछा था ना कि सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मोहम्मद जावेद कह रहे हैं करना चाहिए, करना चाहिए। तो जावेद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ भाई और बहन,
आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्रेम है कि ये चैनल लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अशोक कुमार कहते हैं, अशोक गुप्ता सऊदी अरब से, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से शुक्रिया, होली मुबारक, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं वो देते हैं। अशोक कुमार का नाम आते ही बेटे बेटे अशोक कुमार ये क्या कर रहे बेटे, सब्सक्राइब किया कि नहीं बेटे अशोक कुमार? हो सकता है इन अशोक कुमार को उन अशोक कुमार के बारे में पता भी ना हो, अगर इस जमाने के हुए तो। अली हुसैन हमारे साथ हैं और इस वक्त क्योंकि स्नेह राणा के हाथ में चोट लगी थी, बड़ी तेज चोट लगी थी और बिल्कुल वो छनमना सी गई थी चोट लगने के बाद, और मुस्कुरा रही थी एलिस पेरी जिस तरह से, इरादे नेक नहीं और पट्टियां बंध गई हैं, बैंडेज लग गई है हाथ पर, यानी कि जरूर फट गया है अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा। और ये दूसरी प्लेयर हैं जो इंजर्ड हो रही हैं, इससे पहले बेथ मुनी ऑलरेडी बाहर हो चुकी हैं टूर्नामेंट से, और ऐसे में जो कप्तान हैं उन वो निशाने पर हैं, वो कप्तान थी और वो इंजर्ड हुई थी पहले ही मैच में, और यहाँ स्नेह राणा इंजर्ड हुई हैं। इस बीच अगली गेंद, और इस गेंद को खेला ऑन साइड में मिड विकेट पर, फील्डर वहां मौजूद है, रन बनाने का कोई मौका नहीं, स्कोर अभी भी आरसीबी का 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 10वां ओवर पारी का चल रहा है, रनों की रफ्तार 7.93 है और मौजूदा रन गति जो है वो थोड़ा सा पीछे है। अगली गेंद, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और इस गेंद पर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव कर दिया 4 रन। आगे गेंद पिच कराई थी इस बार बल्लेबाज एलिस पेरी के लिए, और एलिस पेरी ने इस गेंद को लो फुल टॉस पर लेते हुए कवर की दिशा में खेल दिया गैप में, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, 78 एक विकेट के नुकसान पर आरसीबी इस चौके की मदद से। अगली गेंद स्नेह राणा की, और इस बार इस गेंद को एलिस पेरी ने खेला ऑन साइड में, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है, बाउंड्री पर एक फील्डर मौजूद, 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं, और इस 1 रन की मदद से आरसीबी का स्कोर 79 एक विकेट के नुकसान पर। कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और अंतिम टेस्ट मैच शुरू हो रहा है दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर कल सुबह 9:30 बजे टेस्ट मैच शुरू होगा, हम 9:15 बजे इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड पर लाइव आ जाएंगे, तो कल से जोड़ना मत भूलिएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच की कमेंट्री के साथ। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, 1 और रन, और इस 1 रन के साथ आरसीबी 80 एक विकेट के नुकसान पर। 21 पर एलिस पेरी और 36 पर सोफिया डिवाइन बल्लेबाजी कर रही हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ कप्तान स्नेह राणा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामने है अब एलिस पेरी, क्या करेंगी पेरी आखिरी गेंद पर, और इस बार लेग स्टंप के बाहर यह गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, 1 अतिरिक्त रन मिलता हुआ आरसीबी को, आरसीबी का स्कोर हुआ अभी 81 एक विकेट के नुकसान पर। 61 गेंदे हैं, 121 रनों की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड रेट लगभग लगभग अब 12 को छू गया है, 11.90 का रन रेट चाहिए यहां से। इस ओवर की अगली गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ स्नेह राणा तैयार, सामना करने के लिए तैयार एलिस पेरी, ये गेंद स्नेह राणा की, और इस बार इस गेंद को एलिस पेरी ने खेला बैक टू द बॉलर, लेकिन गेंदबाज से रुकी नहीं गेंद, और ऐसे में 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया गया, जब तक कि मिड ऑफ का फील्डर बैकअप करते हुए गेंद को उठा पाता, और इसके साथ ही 10वां ओवर समाप्त हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पारी में। 10 ओवरों के बाद बैंगलोर 82 एक विकेट के नुकसान पर, टारगेट 202 रनों का है, और अब रिक्वायर्ड रेट 12 रन प्रति ओवर का छू गया है, 60 गेंदे हैं, 120 रनों की आवश्यकता, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास 9 विकेट सुरक्षित हैं। आसिम जो यहां 10 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है और यकीनन एक बहुत क्लोज फिनिश की उम्मीद इस मुकाबले की जा सकती है। बलवीर सिंह कहते हैं, सत श्री अकाल जी, थोड़ी कॉमेंट्री बहुत चंगी है, पंजाब से सुन रहे हैं, ओ बादशाह आपको कॉमेंट्री पसंद आ रही है, बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़ भी गए होंगे, यानी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यही कहेंगे कि बस रब आप पर मेहर बनाए रखे। 82 एक विकेट के नुकसान पर आशीष यादव, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है सर, केमिस्ट्री अच्छा, आपको कॉमेंट्री अच्छी लग रही है, मुझे केमिस्ट्री अच्छी लग रही है। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, ये ऑटो करेक्ट का जमाना है, मोबाइल में आप कमेंट्री लिखिए केमिस्ट्री लिखा जाता है। वीर ऑफिशियल इस वक्त हैं, सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं, सिंगर रोशन सिंह भी हैं, लगातार कोशिश, इस वक्त दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबरी के मुकाबले पर खड़ी हैं। अगली गेंद कन्वर की, ब्लॉक होल में लगातार बढ़िया गेंदबाजी, मिडॉन की तरफ खेलकर 1 रन पूरा किया, बिल्कुल सही जगह पर गेंदों को फेंका जा रहा है,
बॉल लगातार ब्लॉक होल में पड़ रहा है और बैटिंग करते हुए बड़ा हिट लगाने में कामयाबी नहीं मिल रही है। एशले गार्डनर इस वक्त कन्वर से बातचीत करते हुए 83 एक विकेट के नुकसान पर। तनुजा कन्वर लेफ्ट आर्म स्पिनर अराउंड द विकेट चली, बहुत लंबे कद की नहीं है, ऑफ स्टंप के बाहर ब्लॉक होल में फिर से गेंद थी कवर में, इस बार मिस फील्ड होती हुई, पीछे फील्डर मौजूद मोनिका पटेल, मोनिका ने गेंद को थ्रो किया, एक रन लेने का मौका। स्नेह राणा संभवतः मैदान से बाहर हैं, एशले गार्डनर इस वक्त कप्तानी कर रही हैं और तनुजा कन्वर एक बार फिर से गेंदबाज तैयार होती हुई, ओवर की चौथी गेंद आनी है और इस वक्त काफ़ी देखभाल होती हुई स्नेह राणा की। इस बीच पैट्स में आती हुई गेंद मिड विकेट की तरफ खेला, किम गार्थ मौजूद, एक रन लेने का मौका, 85 एक विकेट के नुकसान पर। 37 रन बनाकर सोफिया डिवाइन भी खेलती हुई, रनों की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ गई है बैंगलोर की, 8 रन से नीचे आ चुकी है इस वक्त पर ओवर, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड रेट अब बढ़ता हुआ। फिर से ब्लॉक होल में बहुत बढ़िया गेंदबाजी, एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे के लिए पलट गई है, लेकिन शानदार गेंदबाजी, बाउंड्रीज को रोक रखा है तनुजा कन्वर ने। 3 ओवर की गेंदबाजी, 21 रन जरूर दिए हैं इस गेंदबाज ने, लेकिन पूरी तरह से बांध कर रखा है। ओवर की आखिरी गेंद अभी हालांकि आने को है, इसी के साथ 11वें ओवर की गेंदबाजी खत्म हो जाएगी। सुपर कमेंट्री कहते हैं आशीष यादव, अक्षय अतिग्रे है, कमेंट्री बहुत बढ़िया। इस बीच डाउन द ग्राउंड खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, एक रन का इजाफा होता हुआ 88-11 ओवर्स के बाद, तो 8 रन प्रति ओवर रन बनते हुए, रिक्वायर्ड रेट 12.5 रन प्रति ओवर टीम बैंगलोर को चाहिए। अब 54 गेंदों में 114 रनों की जरूरत, पिछले दिन के मुकाबले परिस्थितियां थोड़ी सी मुश्किल कम नजर आ रही हैं, लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए एलिस पेरी और सोफिया डिवाइन जैसे बल्लेबाजों को थोड़ा और अटैक बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा और बमबारी करनी पड़ेगी, थोड़ा और रॉकेट्स यहां पर बरसाने पड़ेंगे, वरना जिस तरह से ब्लॉक होल में गेंदबाजी की है इन गेंदबाजों ने, इनके अपने माइंडसेट पूरी तरह से क्लियर है, इनको ब्लॉक होल में गेंदे करना, इन्हें सिंगल्स देना, इन्हें बाउंड्री रोकना है, और अगर ये कामयाबी मिलती है तो बैंगलोर को निश्चित तौर पर निराशा हाथ लगेगी। वेरी नाइस कमेंट्री। हमारे साथ सुधीराम सुधीर जी हैं, आरसीबी 17 अक्टूबर में, विवेक अंश कश्यप जी हैं, तुलसी अधिकारी हैं, अली हुसैन हमारे साथ हैं, किरित जडेजा, सुधांकर सिंह, प्रियंका प्रजापति, नाइस बॉलिंग बाय कन्वर, बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी, प्रमोद यादव वेरी नाइस कॉमेंट्री, और जितेंद्र यादव दीवाने हैं सर आपकी कमेंट्री के, और इन्होंने लिखा आपके डायलॉग के, मोदी जी वाले डायलॉग के। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 16,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिलहाल मानसी जोशी गेंदबाजी के लिए आई, पहली गेंद पटकी हुई, गेंद लेकर घूम गई, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, पीछे फील्डर एनाबेल सदरलैंड मौजूद, गेंद को उन्होंने फील्ड किया। मानसी जोशी की गेंदबाजी पर जरूर दबाव होगा, पिछले मुकाबलों में कुछ खास नहीं कर सकी थी। इकबाल आप माइक पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे मानसी जोशी, अच्छी फील्डिंग आज कर रही है कि अच्छी गेंदबाजी भी होगी? जब आप एक विधा में किसी भी खेल में अच्छा कर जाएं तो फिर दूसरी विधा में अच्छा करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और ऐसे में मानसी जोशी की गेंदबाजी में भी वो धार नजर आ सकती है। लेकिन अगली गेंद को हवा में उछाल कर खेला, कैच ड्रॉप, और गेंद सीमा रेखा के बाहर भी निकल गई 4 रन के लिए। एलिसा पेरी को एक जीवनदान मिलता हुआ, लेग स्टंप पर गेंद थी, पिकअप शॉट खेला था बल्लेबाज ने, हवा में उछाला था, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद थी, गेंद को वो कैच करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ना तो वो कैच पकड़ पाई और ना ही बाउंड्री रोक पाई, और ऐसे में मानसी जोशी के चेहरे पर घोर निराशा साफ दिखाई देता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार होती हुई गेंदबाज मानसी जोशी क्या पलटवार करेंगी, अगली गेंद, और इस बार एलिसा पेरी ने इस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ लेट कट कर दिया, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। मानसी जोशी का पहला ही ओवर काफी महंगा साबित हो रहा है, पहली 3 गेंदें और 9 रन दे बैठी है मानसी जोशी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद थी और इस गेंद को सिर्फ तिरछे बल्ले से स्टीयर भर कर दिया, और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। 97 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक विकेट के नुकसान पर। एलिसा पेरी अब पहुंच गई है 32 की रन संख्या पर, सोफिया डिवाइन 41 पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर। आरसीबी के जो फैंस हैं, आरसीबी का जो एक जत्था मैदान पर बैठा हुआ है समर्थकों का, वो इस वक्त झूमता गाता हुआ नजर आ रहा है।
इस ओवर की अगली गेंद और इस बार बढ़िया यॉर्कर, अच्छी वापसी, बैक टू द बॉलर, इस गेंद को बल लेके जड़ से खदेड़ा और अपने फॉलो थ्रू पे झपट्टा मारते हुए दाहिनी तरफ इस गेंद को रोका। और आज फील्डिंग का स्तर जो है मानसी जोशी का बहुत बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। 11.4 ओवर, 97, एक विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। लगातार रन और गेंद के बीच में एक द्वंद चलता हुआ, यहां 50 गेंदें हैं, 106 रनों की आवश्यकता, 105 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद के साथ मानसी जोशी ने दौड़ना शुरू किया, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अगली गेंद और इस बार इस गेंद को हवा में खेला, पॉइंट पर कैच कर लिया गया और इसके साथ ही मानसी जोशी को पहली सफलता मिलती हुई एलिस पेरी आउट 32 रन बना करके। बहुत बड़ी विकेट फंसा ली है मानसी जोशी ने, तो किस्मत पहली गेंद से शुरू हुई, कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन इसी ओवर में एलिस पेरी को फंसा लिया है मानसी जोशी ने। और बैंगलोर का एक बहुत बड़ा स्तंभ गिरता हुआ, एक बहुत बड़ी विकेट, एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बुझ गई, चिराग रोशन था बुझ गया, धुआं उड़ रहा है, लेकिन आने वाले बल्लेबाज अभी भी बाकी हैं। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि आज युवा खिलाड़ियों को भी एक बार फिर से खेल दिखाना होगा, जिस तरह से पिछले मुकाबले में श्रेयांका की बैटिंग हमने देखी थी। आप प्लेइंग 11 देखें अपने स्क्रीन पर, तो बल्लेबाजी अभी आनी बाकी है बैंगलोर के लिए, अभी भी उम्मीदें जिंदा हैं, बरकरार हैं। और हीथर नाइट हैं, ऋचा घोष, दो तो बढ़िया बल्लेबाज बैटिंग करने वाले, उसके बाद श्रेयांका हैं और आहूजा जी हैं। आहूजा जी ने तो पिछले मैच में क्या छक्के लगाए थे, छोटे कद की हैं लेकिन बढ़िया शॉट्स खेलती हैं, तो बैटिंग है। लेकिन मुश्किल ये है कि दबाव जो इस वक्त बनाया है गुजरात ने, उसको झेलना एक बड़ा सवाल है। बैंगलोर ने आज अभी तक इस टूर्नामेंट में यही साबित किया है कि वो दबाव में क्रम्बल कर जाते हैं, बिखर जाते हैं, और आज बिखरना नहीं होगा। और एक जो यहाँ पर दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप की बात करें आसिम, तो 43 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन ये 43 रन 39 गेंदों पर बने, तो ये जो पार्टनरशिप रही है दूसरे विकेट के लिए, उसने थोड़ा सा डेंट किया है, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिया है। और इसी को देखते हुए रनों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए ऋचा घोष को आज बैटिंग ऑर्डर में प्रोमोट किया गया है और उनसे कहा गया होगा साफ तौर पर कि जाइए और धूम मचा दीजिए। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से चूक गई ऋचा घोष, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ गेंदबाज मानसी जोशी का। सफल ओवर रहा मानसी जोशी का, कुल मिलाकर के 97, दो विकेटों के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जी हाँ, एक विकेट क्या कुछ बदल देता है गेंदबाज के लिए। अंतिम जो गेंद थी वो आउट स्विंगर थी, आप यकीन करें इतने ओवरों के बाद एक गेंदबाज, तेज गेंदबाज आउट स्विंग गेंदबाजी कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस आपका, जो आत्मविश्वास है, वो आपको बड़ी नई नई चीजें करने पर आमादा कर देता है। आनंद कुमार जी हैं, कह रहे हैं वाओ बहुत अच्छी कमेंट्री, बहुत शुक्रिया आनंद, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ बिल्कुल, आनंद का सवाल है कि हम क्या इंटरनेशनल मैचेस की कमेंट्री करते हैं, बिल्कुल करते हैं आनंद। आप कल सवेरे 9:15 बजे से आ जाइएगा इसी चैनल पर, क्रिकेट अनफोल्ड पर, और हमारे मेन चैनल इकबाल स्पोर्ट्स पर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच की लगातार कमेंट्री सुनने को मिलेगी। और हमारी टीम रहेगी, यानी इकबाल और आसिम की टीम रहेगी, आपका ये चैनल रहेगा और हम कमेंट्री आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जाकर वीडियोस भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर, काफ़ी वीडियोस पड़े भी हुए हैं। जितेंद्र यादव जी कहते हैं सर आपका डायलॉग सुन करके अच्छी नींद आ जाती है। डायलॉग सुन के नींद आती है। और चौका, क्या गोली की रफ्तार से सोफिया डिवाइन ने अटैक किया, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, इन अ फ्लैश गोली की रफ्तार, 4 रन, बैंगलोर को एक चौका मिलता हुआ और स्कोर 100 के पार बैंगलोर का जाता हुआ 101, दो विकेटों के नुकसान पर 12.1 ओवर के बाद। सोफिया डिवाइन पहुंची 45 पर, गेंदबाजी के लिए तैयार एनाबेल सदरलैंड, ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन, ब्लॉक होल में गेंद थी, बल्कि किम गार्थ हैं, और इस बार ब्लॉक होल में अच्छी गेंद और इस गेंद पर बल्ला लगाने की कोशिश, लेकिन बीट होती हुई। बहुत उम्दा बल्लेबाजी अभी तक तो की है सोफिया डिवाइन ने, लेकिन जारी रखना होगा। आउट होकर चली गई है वापस बल्लेबाज एलिस पेरी, घातक ऑलराउंडर, लेकिन झटका लग चुका है
और इस वक्त गुजरात जायंट्स के गेंदबाजों के हौसले बुलंद इस वजह से भी हैं कि रनों की रफ्तार की जो जरूरत है वो कमजोर है। इस बीच एक और चौका, जैसे ही मैंने कहा कि रनों की रफ्तार थोड़ी कमजोर है, एक चौका मार दिया फिर से बल्लेबाज सोफिया डिवाइन ने। किम गार्थ की खबर ली जा रही है, दो चौके इस ओवर में, एक बार मिड विकेट के बाहर, एक बार एक्स्ट्रा कवर के बाहर। कवर ड्राइव लगाया, पुल शॉट खेला, अपने फन का मुजाहरा करती हुई सोफिया डिवाइन 49 पर पहुंच चुकी हैं, अपने अर्धशतक से मात्र एक रन दूर। बहुत पुरानी खिलाड़ी, बहुत मजी हुई खिलाड़ी, T20 क्रिकेट 300 से ज्यादा पारियां खेली हैं इस खिलाड़ी ने। ओवर की चौथी गेंद, किम गार्थ चली ऑफ स्टंप के बाहर से, एक बार फिर से बल का प्रयोग किया लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं। शॉर्ट मिड विकेट पर एक सिंगल और इसी के साथ 50 रन 36 गेंदों में पूरे हुए सोफिया डिवाइन के। लाजवाब इनिंग्स है, कप्तान की जो उम्मीद थी उस पर खरी उतरी हैं आज सोफिया डिवाइन। पारी की शुरुआत करने के लिए आई थी स्मृति मंदाना के साथ, स्मृति मंदाना तो साथ छोड़ करके चली गई और बीच में एलिस पेरी भी साथ छोड़ करके जा चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से एक छोर को संभाल कर रखा है सोफिया डिवाइन ने, वो उम्मीदें जगा कर रखता हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। 36 गेंदों पर 50 रन बनाए हैं 8 चौकों की मदद से, हवाई फायर आज नहीं किया है सोफिया डिवाइन ने। इस ओवर की अगली गेंद के साथ किम गार्थ तैयार और इस बार इस गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया ऋचा घोष ने, गेंद गई है पॉइंट पर खड़े फील्डर के पास, रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस ओवर में अब तक 9 रन आए हैं, 2 चौके लगे हैं किम गार्थ की गेंदों पर। 12.5 ओवरों के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 106 दो विकेट के नुकसान पर। सोफिया डिवाइन एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं लेकिन रनों की रफ्तार अब जो है बढ़ानी होगी क्योंकि रिक्वायर्ड रेट अब 13.5 के करीब पहुंचने लगा है और ऐसे में दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। आखिरी गेंद के साथ तैयार गेंदबाज किम गार्थ और इस बार इस गेंद को खेल दिया ऑफ साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में दरअसल कोई संपर्क ही नहीं, ऐसा लगा कि गेंद गई कवर पर और ऐसे में कोई रन नहीं। ओवर समाप्त हुआ 13 ओवरों के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 106 दो विकेट के नुकसान पर। सोफिया डिवाइन 50 पर, 0 पर ऋचा घोष। आज ऋचा घोष बहुत ज्यादा गेंदों को मिडिल नहीं कर पा रही हैं, ये एक जरूर चिंता का सबब नजर आता हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस मुकाबले को जीत पाएगा, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आनंद कुमार कहते हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अब कल के मैच की कमेंट्री सुनना है। बिल्कुल आनंद जी, कल हमारे साथ जरूर जुड़िएगा क्रिकेट अनफोल्ड और इकबाल स्पोर्ट्स पर। इस्माइल मुंद्रा जी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि गुजरात की टीम जीतेगी जी। मार्मिक पराशर कह रहे हैं कॉन्ग्रेट्स डिवाइन। सुधाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कीर्ति जाडेजा जी हैं, डिवाइन कैप्टन है मेरी। अच्छा जी, आपने फैंटेसी लीग में जो है कैप्टन बनाया, क्या बात है, फिर तो आपकी कैप्टन अच्छा खेल रही है। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद और इस पहली गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेल करके एक रन ले लिया और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 107 रन दो विकेट के नुकसान पर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात के बीच ये मुकाबला चल रहा है। इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार होती हुई गेंदबाज, ये गेंद और इस बार इसने राणा की गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, लेकिन वहां पर मानसी जोशी मौजूद, गेंद को उन्होंने रोका, रन बनाने का कोई मौका नहीं और इस तरह से स्कोर अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 107 दो विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर पारी का चल रहा है, धीरे धीरे दबाव रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऊपर बढ़ता हुआ। अगली गेंद ने राणा की और इस बार ऋचा घोष ने रूम बनाकर खेलने का प्रयास किया, बाहरी किनारा और गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। सामने चौका मारना चाहती थी ऋचा घोष, लेकिन सामने तो ना सही, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के चौका उनको मिलता हुआ और इस चौके के साथ आरसीबी का स्कोर नेल्सन पर 111 दो विकेट के नुकसान पर। 14 रनों का रिक्वायर्ड रेट है और मौजूदा रंगति 8.22 का। गेंदें यहां से बची हैं 39, रन बनाने हैं 91। चुनौती धीरे धीरे बढ़ती हुई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को हवा में उछाल कर खेला, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका ऋचा घोष के बल्ले से। ऋचा घोष जो उड़ाने की क्षमता रखती हैं होश, इस वक्त लगातार दो बाउंड्रीज जड़ती हुई और इन दो बाउंड्रीज के दम पर आरसीबी का स्कोर बढ़ता हुआ 115 रन दो विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर पारी का चलता हुआ, 9 रन इस ओवर से आ चुके हैं। सोफिया डिवाइन 51 पर, ऋचा घोष 8 पर। इस ओवर की अगली गेंद के साथ स्नेह राणा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट,
ये गेंद रिचा के लिए, फुल टॉस, ऑन साइड में घुमाया इस गेंद को, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक रन से ज्यादा नहीं मिलेगा और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ आरसीबी का 116 दो विकेट के नुकसान पर। अब अपने घोड़ों को खोलना होगा आरसीबी के बल्लेबाजों को, अस्तबल में जो घोड़े उन्होंने बांध कर रखे हैं, लगाम लगा कर रखा है, उन घोड़ों को बेलगाम करना होगा अगर मुकाबला जीतना है। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन मिलेगा और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ 14वां। 14 ओवरों के बाद आरसीबी 117 दो विकेट के नुकसान पर, और इसके साथ ही इस ओवर में 11 रन आए और कुल मिलाकर के अब 36 गेंदों पर 85 रनों की आवश्यकता आरसीबी को। सोफिया डिवाइन 52 पर और ऋचा घोष 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही हैं। स्नेह राणा 3 ओवर 23 रन और कोई सफलता नहीं। जी हां, तो लगातार जो है बराबर की लड़ाई चलती हुई, जब विकेट गिर जाती है तो अटैक बढ़ जाता है और अटैक बढ़ाना भी होगा। ऋचा घोष की बल्लेबाजी को लेकर सवाल, तो दो चौके उनकी बल्लेबाजी से आते हुए और खूब भालो लागे कमेंट्री। हरिदास मंडल कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया मंडल भाई, अनेक धन्यवाद, धन्यवाद बंधु, अनेक तो धन्यवाद। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आपको धन्यवाद बहुत बहुत। इस वक्त रॉयल कॉमेडी भी हैं और ममचंद गुप्ता हैं हमारे साथ, मीरू खान भी हैं, सलाम कहते हैं। इस वक्त 117 रन, तो अब 6 ओवर्स में 36 गेंदों में 85 रन, आसान तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ये बिल्कुल सेट है स्टेज ऋचा घोष जैसे बल्लेबाज के लिए। आज लॉन्ग ऑन पर कुछ छक्के हो जाए ऋचा घोष, काफी दिन हो गए, काफी ड्राइड अप हो गए, कुछ हो जाए। सोफिया डिवाइन ने पहले गेंद को छक्का मार दिया, कन्वर्ट किए गए, ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइट डिलीवरी थी और अपनी पावर का, अपने रुतबे का, अपने तजर्बे का पूरा परिचय देते हुए गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन के बाहर 6 रनों के लिए 123 दो विकेटों के नुकसान पर। कन्वर की लेंथ थोड़ा सा पीछे रह गई और इसे ओवर पिच बनाकर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए, 77 मीटर का छक्का लगा दिया सोफिया डिवाइन ने। ओवर की अगली गेंद के साथ कन्वर तैयार, कांपती नजर आ रही है, थोड़ा घबराहट महसूस कर रही है कम उम्र खिलाड़ी, इतने बड़े खिलाड़ी के सामने गेंदबाजी, इस बार फिर से लपेटने की कोशिश, लेकिन मिड विकेट तक गेंद पहुंचेगी एक रन के लिए। स्कोर में तेजी, पहली दो गेंदों पर 7 रन आ चुके हैं। रिक्वायर्ड रेट को चेस डाउन करना है, हंट डाउन करना है, तो फिर अटैक तो करना ही पड़ेगा। अब सामने ऋचा घोष, एक गया तो दूसरा आया। ऋचा घोष स्ट्राइक पर, दाएं हाथ की बल्लेबाज, और इस बीच कवर्स में गेंद को खेला मानसी जोशी, कवर्स में लगातार गेंद को फील कर रही है, गैप नहीं निकाल पा रही है और ऋचा घोष की जो बल्लेबाजी है उस पर जैसे लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव में नजर आ रही हैं। जब खुश रहती हैं, जब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, तो गेंद बल्ले के बीचों बीच आती है। इस बीच मिड विकेट की तरफ खेला एक रन के लिए। जी, और बिल्कुल सही कहा आपने, ऋचा घोष जिस तरह से बल्ले को भांज रही हैं, हर एक गेंद पर बड़ा शॉट मारने की कोशिश कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा प्रेशर में इस वक्त ऋचा घोष हैं। और जब आप इस तरह के बल्लेबाजी के लिए विख्यात हो जाते हैं कि आपसे उम्मीदें ये रहती हैं कि जाते ही विस्फोट कर देंगे, तो फिर दबाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगली गेंद को ऑन साइड में घुमाया, लेकिन ऑन साइड में बेहतरीन फील्डिंग शॉट, फिर विकेट की दिशा में, बहुत तेज शॉट था सोफिया डिवाइन का, लेकिन क्षेत्र रक्षण आला दर्जे की वहाँ पर गुजरात की। जी हाँ, स्नेह राणा का हाथ घायल है और उन्होंने इतना तेज शॉट रोका, 144 का स्ट्राइक रेट। सोफिया डिवाइन, दिस इज नॉट डन, आपके स्ट्राइक रेट को 170 के पार जाना होगा अगर बैंगलोर को यह मैच जीतना है। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर स्टंपिंग की अपील, बढ़िया विकेट कीपिंग पीछे सुषमा के द्वारा, और इस वक्त 15वें ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई। बढ़िया आखिरी दो तीन गेंदे की, पहले छक्का पड़ा था लेकिन क्या वापसी की इस ओवर में, 125 पर दो, अब 5 ओवर की गेंदबाजी और वापस जा रही है। क्या सोफिया डिवाइन यहां पर वापस जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से अंपायर की तरफ भी, और अंपायर जो है इस वक्त ड्रिंक्स को शायद बुला रहे हैं और इस वजह से सोफिया डिवाइन ने अपना ग्लव्स उतारा, और जिस तरह से कमर में बल्ला दबाकर बल्लेबाज जाते हैं तो ऐसा लगता है पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। तो हालात ये हैं साहब कि 30 गेंदों में 77 रन चाहिए, 16 रन के करीब यानी 15.4 रन प्रति ओवर, ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। और इस मुकाबले को जीतने के लिए बैंगलोर को एक बार फिर से कोशिश करनी होगी। ये ऐसा टारगेट है, ये 180 नहीं है, ये 200 के पार का है, यानी कि ये कभी भी काबू में नहीं आएगा। ये मैच आप जीतेंगे
20वें ओवर में जाकर ही इस मुकाबले को, और अगर जीतना है तो आपको लगातार मारते रहना है, और मारते रहने के दरमियान अपनी विकेटें भी बचानी होगी। रॉयल कॉमेडी कहते हैं मजा आ रहा है सर जी, आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने होली खेली आज, कैसा दिन गुजरा? तमाम लोग आज कमेंट करते रहे, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजते रहे, नए नए रंग, नए नए ढंग से होली खेलने के नए नए अंदाज आज देखने में आया, और इस मुकाबले में एक अलग रंग अभी देखने को मिल रहा है। गुजरात जायंट्स, जिनका कि कलर जो है जर्सी का, कपड़े का जो कलर है वो नारंगी है, ऑरेंज कलर का है, और बैंगलोर का ब्लैक एंड रेड है, उस पर गोल्डन धारियां भी हैं, तो आज क्या ब्लैक एंड गोल्डन या फिर ऑरेंज कलर हावी होगा इस मुकाबले में? अभी तो कहें गलत नहीं होगा कि जो ऑरेंज कलर है वो इस वक्त लीड करता हुआ, यानी कि गुजरात जायंट्स की जो टीम है वो जरूर लीड कर रही है। मंटू कुमार अगले ओवर में विकेट आएगा। दिलीप भाई राठौर कहते हैं सुपर। प्रकाश नाथ, कुतुब अली, प्राची, यमे, प्रगति, आई होप आरसीबी जीते। मनोज कुमार साहब कहते हैं आरसीबी अब नहीं जीतेगी, आज के मैच को जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। राजेश यादव हाय कहते हैं। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ बने हुए हैं कमेंट सेक्शन में। आज क्रिकेट अनफोल्ड पर हम लगातार कमेंट्री लेकर आ रहे हैं। चुनौती इस वक्त 30 गेंदों में 77 रनों की है, 77 रन 30 गेंदों में चाहिए, 15.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे बैंगलोर के बल्लेबाजों को ये मैच जीतने के लिए, और ऐसा करते हुए आपको हर ओवर में कम से कम 2 चौके तो मारने ही बने हैं। अगर आपने 2 चौके मार लिए तो आप काबू कर पाएंगे रिक्वायर्ड रेट को, अगर आपने नहीं मारे तो मुश्किल और बढ़ती चली जाएगी। ये जो रिक्वायर्ड रेट है ये बहुत तेज़ी से छलांगे मारता हुआ, तरक्की करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, जो बैंगलोर के उम्मीद से बाहर निकल जाएगा। जी बिल्कुल, बैंगलोर को तो अब यहाँ से करो या मरो की स्थिति है उनके लिए, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। कच्छ भुज से कीर्ति जडेजा हमारे साथ, आशीष यादव जी हैं, देवेंद्र सिंह चौहान जी, मंजूर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मुकाबले में। लगातार WPL के मुकाबले आपको क्रिकेट अनफोल्ड पर सुनने को मिल रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत हो रही है। पहली गेंद, और पहली गेंद पर बड़ा विकेट, ऋचा घोष क्लीन बोल्ड। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बड़ा झटका दे दिया है एशले गार्डनर ने। ऑफ स्टंप के सामने की गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेलना चाहती थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पाया। लगभग यॉर्क कर लिया अपने आप को आगे बढ़कर के ऋचा घोष ने, और गेंद जाकर के ऑफ और मिडल स्टंप पर टकराई, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा शिकार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कर लिया है एशले गार्डनर ने। आसिम, बिल्कुल बहुत बड़ा शिकार किया है इकबाल। स्पोर्ट्स लवर अरविंद राजभर कहते हैं सर मेरी बेटी आरुषि और मेरा बेटा गणेश राजभर, उनका भी नाम एक बार बोल दीजिए प्लीज। तो ले लिया है, आपकी बेटी और के बेटे की अच्छी उम्र हो और अच्छी कामयाबी उनको मिले। गुरविंदर सिंह, राजू भाई, संजय विश्वकर्मा, सत्यम यादव, सुनील वर्मा, भूपेंद्र सिंह, अथर्व पाटिल, सत्यम यादव, ये तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर बैंगलोर की टीम लगातार अब दबाव में, रनों का जो अंबार है उसको चेस डाउन करना, इस पहाड़ पर चढ़ना अब आसान नजर नहीं आ रहा है बैंगलोर को। लेकिन अभी भी क्योंकि सोफिया डिवाइन बल्लेबाजी कर रही हैं, मौजूद हैं क्रीज पर, तो हो सकता है कि कुछ करिश्मा वो करें। बैंगलोर के लिए अभी भी उम्मीदें तो बाकी हैं, अगले ओवर की शुरुआत करेंगे। और इस बीच बहुत उमदार गेंद, इस ओवर की अगली गेंद थी ब्लॉक होल में हीथर नाइट के लिए, और लगभग बोल्ड होते होते बची हैं। 39 50 हैं इस खिलाड़ी के नाम, 271 मुकाबलों में 6634 रन, 32 का औसत। ओवर की तीसरी गेंद के साथ गेंदबाज तैयार एश गार्डनर, ओवर द विकेट। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को पिक किया, पिकअप शॉट, बैकवर्ड पॉइंट से एक रन लेने का मौका, और 125 हो गया स्कोर, 126 सिंगल की मदद से 3 विकेटों के नुकसान पर। ऋचा घोष के लिए सीधी मिडिल स्टंप की लाइन में गेंद थी, कवर्स के ऊपर से मारने के लिए गई थी ऋचा घोष, और गेंद की लाइन को जब आड़ा बल्ला आप चलाते हैं और विकेटों में गेंद होती है तो बहुत हद तक यही चांसेस होते हैं कि आप बोल्ड हो जाएं या LBW हो जाएं। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को लपेटा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक रन। एक एक रन से कहानी कमजोर हो जाएगी, स्क्रिप्ट जो है कमजोर हो जाएगी टीम बैंगलोर के लिए, और ऐसे में
लगातार आपको बाउंड्रीज तो ढूंढनी होगी, इम्प्रोवाइज करने की भी कोशिश करनी होगी। इम्प्रोवाइज नहीं किया है बल्लेबाजों ने, कोई पैडल स्कूप नहीं किया है, कोई रिवर्स शॉट नहीं अटेम्प्ट किया है, और जैसे ही कहा वैसे रिवर्स शॉट खेल दिया और लगता है कि चौका मिल भी जाएगा। जी हाँ, चार रन मिल गए एक बार। बिल्कुल, एक बढ़िया चौका यहां पर, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 131 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अब मुकाबला जीतने के लिए 25 गेंदों पर 71 रन बनाने होंगे। हीथर नाइट इस चौके की मदद से 5 पर पहुंची। सोफिया डिवाइन ने 60 रन बनाए जरूर हैं, लेकिन काफी धीमी बल्लेबाजी रही है। स्ट्राइक रेट उनका 139 का, और T20 फॉर्मेट में जब आप 200 प्लस का चेज कर रहे हो तो बतौर ओपनर आपकी स्ट्राइक रेट अच्छी होनी चाहिए। अगली गेंद को हवा में उछाल कर खेला हीथर नाइट ने, गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। हीथर नाइट ने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए हैं, और इस चौके के साथ हीथर नाइट पहुंची 9 की रन संख्या पर, और इसके साथ ही 16 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 16 ओवरों के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 135 3 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदें 67 रनों की आवश्यकता है। एक सवाल मेरा है आप सभी से दोस्तों, और कल के मुकाबले को लेकर के दरअसल एक राय आपसे लेनी है, क्योंकि कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, और उस मुकाबले की कमेंट्री हम दोनों चैनल्स पर, इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड दोनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन एक समस्या ये हो जाएगी आसिम अगर हम दोनों चैनल्स पर आते हैं, कि अगर हम 3 बार नोटिफिकेशन भेजेंगे क्रिकेट अनफोल्ड से तो शाम वाले मुकाबले में नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, क्योंकि 3 ही मैक्सिमम नोटिफिकेशन आप भेज सकते हैं। तो ऐसे में क्या आप लोग भारत ऑस्ट्रेलिया की कॉमेंट्री इकबाल स्पोर्ट्स पर सुनना चाहते हैं और WPL की कमेंट्री क्रिकेट अनफोल्ड पर हम लाएं तो कैसा रहेगा? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। महिला विमेंस IPL की कमेंट्री शाम को इसी चैनल पर क्रिकेट अनफोल्ड पर, और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट श्रृंखला है उसकी कमेंट्री इकबाल स्पोर्ट्स पर, क्योंकि अगर हम इसमें दिन में मैच में कमेंट्री कर गए क्रिकेट अनफोल्ड पर तो फिर शाम के मैच की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी और बहुत सारे दोस्त आ नहीं पाएंगे। जी हां, तो जैसा भी हो आप बता सकते हैं कि क्या हम दोनों पर दोनों मैचेस में करें, या फिर एक पर एक में और दूसरे में हम दोनों पर करें, कुछ ऐसा ही। और नोटिफिकेशन को लेकर इस बीच बहुत बढ़िया पुल शॉट मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। सोफिया डिवाइन की अभी थोड़ी सी तारीफ इकबाल ने की थी और उन्होंने जवाब दे दिया छक्का मारकर 141 3 विकेटों के नुकसान पर। टीम का स्कोर है, और मेरा ख्याल से इस वक्त हमारे साथ संकेता भुक्ता जी हैं। तिलक राम कहते हैं जैसी आपकी इच्छा, ये मैं जवाब जानता था ये आएगा। और 75 मीटर का छक्का सोफिया डिवाइन ने लगाया है, 66 पर पहुंची हैं। अगली गेंद लेकर चलती हुई फुल टॉस, एक बार फिर से खेला, क्या आउट हो जाएंगी इस बार? जी हाँ, धर ली गई सोफिया डिवाइन आउट, 66 रन बनाकर 44 गेंदों में, और बैंगलोर की उम्मीदों को एक बड़ा झटका। मार्मिक पराशर का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन और इंडियन टेस्ट मैच को इकबाल स्पोर्ट्स पर आप सुनाएं, तो वो तो हम सुनाएंगे। सवाल ये था कि क्या हम दोनों पर आएं या एक पर आएं ऑस्ट्रेलिया वाले मैच को लेकर, यही सवाल था। इस बीच और एक कैच हुआ और विकेट गया, और बहुत बड़ा विकेट गया, सोफिया डिवाइन आउट हो गई हैं 66 रन बनाकर। तो ऐसे में सदरलैंड को सफलता मिली, लगातार दूसरा छक्का मारने के लिए गई थी सोफिया डिवाइन, बैंगलोर की उम्मीदें अब ध्वस्त हो रही हैं। सोफिया डिवाइन ने 66 रन बनाए, 45 गेंदों का सामना किया, 22 गेंदों पर 61 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 141 रन 4 विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर है। काफी सारे कॉमेंट्स हैं। AKG क्लासेस का कहना है रोबिन कुमार की, इकबाल स्पोर्ट्स पर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया और WPL क्रिकेट अनफोल्ड पर। हाँ, ये बात भी सही है, और यही हमारी जो है WPL यही चैनल पर। ये सत्यम यादव का कहना है बिल्कुल सही। अब्दुल वहाब का कहना है ठीक, एक पर एक सही रहेगा। हाँ, ये बात है, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि अगर इस पे हमने दिन में ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में कमेंट्री कर ली तो शाम में हम कब लाइव आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ढूंढ कर आएंगे चैनल पे तभी आपको पता चलेगा, नोटिफिकेशन जाएगा नहीं। इस ओवर के अगली गेंद, और इस गेंद को खेल दिया 1 रन के लिए बल्लेबाज ने। आहूजा आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए 1 रन के साथ स्कोर RCB का 142 4 विकेट के नुकसान पर। और फिलहाल RCB को अब मुकाबला जीतने के लिए 21 गेंदों पर 60 रन बनाने होंगे। तो विमेंस IPL का मुकाबला कल आपको इसी चैनल पर सुनने को मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो
टेस्ट श्रृंखला की कमेंट्री, टेस्ट मैच की कमेंट्री अगर आपको सुननी है तो इकबाल स्पोर्ट्स हमारे मेन चैनल पर आइएगा। जो मित्र नहीं जानते हैं वो ज़रूर सर्च करें इकबाल स्पोर्ट्स, उसको सब्सक्राइब करें और कल ज़रूर पहुंच जाइएगा। हालांकि ज़्यादातर मित्र जो हमें यहाँ सुनते हैं उन्हें पता है कि हमारा मेन चैनल इकबाल स्पोर्ट्स है और WPL के लिए हम यहाँ आए हैं। इस ओवर के अगले गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, नजर वाइड का इशारा, बल्कि विकेट कीपर भी चूकी है और गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की ओर। वहाँ पर जब तक गेंद को उठाया जाएगा दो रन दौड़ करके पूरे किए गए और इस तरह से वाइड प्लस डबल यानी कि तीन रन बैंगलोर के खाते में और बैंगलोर का स्कोर बढ़ता हुआ 145 रन चार विकेट के नुकसान पर। गेंदें अब 21 हैं, 57 रन बनाने हैं। ये किसी भी दिन T20 फॉर्मेट में बन जाते हैं, ये रन्स जो हैं वो बन जाते हैं आसिम, लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए क्रीज पर खड़ा रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर क्रीज पर खड़े रहे तो ये रन बन जाएंगे, अगर खड़े नहीं रह पाए तो फिर मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई चली जाएंगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। इस ओवर के अगली गेंद और इस बार खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन, शानदार चौका ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर और इस चौके के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 149 रन चार विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली और गेंद को हीथर नाइट ने स्लैश कर दिया था चार रनों के लिए। अब गेंदे हैं 20, रन बनाने हैं 53। क्या पलटवार होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, क्या वापसी होगी। अगली गेंद सदरलैंड की और इस बार गेंद को तिरछे बल्ले से स्टीयर कर दिया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। वाओ, हीथर नाइट कमाल कर रही हैं और इस चौके के साथ स्कोर हो गया है बैंगलोर का 153 रन चार विकेट के नुकसान पर। और एनाबेल सदरलैंड का ये ओवर महंगा साबित होता हुआ, 5 गेंदों पर 18 रन दे चुकी हैं एनाबेल सदरलैंड। क्या करेंगी आखिरी गेंद पर, एक और चौका पड़ेगा क्या। दबाव, वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर ये गेंद कर बैठे एनाबेल सदरलैंड। और यही होता है जब सामने वाला बल्लेबाज सर पर कफन बांध के बल्लेबाजी जब करने लगे तो फिर गेंदबाज के पसीने उतर जाते हैं कि अब करूं तो करूं क्या। और ऐसे में यहां पर एक वाइड का इशारा आता हुआ, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहां पर गेंदबाज को, बल्कि टीम बैंगलोर को, और इस तरह से स्कोर अब हो गया 154 चार विकेट के नुकसान पर। 19 गेंदों पर 48 रन चाहिए एनाबेल सदरलैंड की। अगली गेंद लेग स्टंप पर, फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में फ्लिक कर दिया, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। हीथर नाइट इस मुकाबले को पलटने की भरपूर कोशिश कर रही है। एक बेहद महंगा ओवर गुजरात के लिए एनाबेल सदरलैंड का, 23 रन आए इस ओवर में और 17 ओवरों के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 158 चार विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदें बची हैं और इन 18 गेंदों पर 44 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। अब तो मुकाबला बिल्कुल गिरफ्त में आ सकता है बैंगलोर के, क्या जबरदस्त ओवर रहा। यही होता है, एक ओवर मुकाबला तब्दील कर देता है। एनाबेल सदरलैंड आज जबरदस्त पिटाई हो गई उनकी इस ओवर में और 23 रन दे दिए एक ओवर में, 6 गेंदों पर 23 रन। अंशराज का क्या कहना भाई, कमेंट आया है कि RCB को टाटा बाय बाय होने जाएगा, IPL हो या WPL चाहे कोई भी हो। बहरहाल इस वक्त तो RCB की उम्मीदें जवान हैं अंशराज भाई, हो सकता है कि कुछ भी हो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ RCB सपोर्टर बैंगलोर से हैं। 158 चार विकेटों के नुकसान पर आहूजा स्ट्राइक पर, कनिका आहूजा 18 गेंदों में 44। ये मौका है बैंगलोर के लिए, पिछले ओवर ने एक चांस बना दिया है। स्नेह राणा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाएं हाथ की ऑफ स्पिन गेंदबाज राउंड द विकेट, कनिका आहूजा के लिए पहली गेंद, जगह बनाई, गेंद को कवर्स के ऊपर से खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रन। बेहतरीन शुरुआत, 17 गेंदों में अब 40 रनों की जरूरत। कनिका आहूजा ने पहली गेंद पर सीनियर खिलाड़ी स्नेह राणा की गेंद पर चौका मार दिया और क्या पावरफुल हिट लगाया, बहुत हाई बैकलिफ्ट के साथ बैटिंग करती हुई। और हाई बैकलिफ्ट के साथ ये बहुत बड़ा फायदा है, अगर गेंद आ गई बल्ले पर तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। श्रेयंका पाटिल भी अभी आना बाकी है, 162 पर चार। अगली गेंद इस बार फुल टॉस बनाकर मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेला, लेकिन फील्डर मौजूद, तनुजा कन्वर ने गेंद को फील्ड किया और यहां पर तीसरे अंपायर की मदद ली गई है नो बॉल चेक करने के लिए। कनिका आहूजा छोटे कद के खिलाड़ी, उन्होंने रिव्यू ले लिया है नो बॉल चेक करने के लिए।
स्नेह राणा की ये फुल टॉस गेंद, और अब देखा जाएगा कि कहीं कमर के ऊपर हुई तो फ्री हिट आएगा और एक गिफ्ट में डिलीवरी मिलेगी। कनिका आहूजा ने फौरन इशारा कर दिया और 163 चार विकेटों के नुकसान पर रिक्वायर्ड रेट 16 गेंदों में 39 रनों की ज़रूरत है। अगर ये नो बॉल हुई तो फिर 17 गेंदों पर 38 रन की ज़रूरत हो जाएगी, और क्या फ्री हिट होगा ये देखना है, क्योंकि झुकते हुए कमर को थोड़ा सा बेंड किया था बल्लेबाज ने, और साइड ऑन देखना पड़ेगा। नो बॉल क्या है ये क्या नो बॉल है? नो बॉल ये तो लग तो रहा है, लेकिन क्योंकि डिप कर रही है और कमर भी झुकी हुई है तो कुछ भी हो सकता है। वट एवर माइट बी द केस, तीसरे अंपायर के डिसीजन का भी इंतजार। क्या रोमांचक मुकाबला अब ये बन जाएगा? ये फ्री हिट इस मुकाबले को बेहद रोमांचक कर सकता है। कनिका आहूजा पंजाब से हैं और मजबूत स्ट्राइकिंग करती हुई इस वक्त बैंगलोर के लिए, और उनको उम्मीद है कि ये नो बॉल होगी। इसने राणा की मुस्कुराहट तो दिख रही है, लेकिन एक खींच सी नज़र आ रही है उस मुस्कुराहट में। इतनी बड़ी सीनियर खिलाड़ी हैं और उन्होंने ऐसी फुल टॉस गेंद की। स्पिन गेंदबाज अगर फुल टॉस देता है तो वो तो खुद ही एक गिफ्ट है जिसको भजा नहीं पाई थी, और नो बॉल होनी चाहिए। लेकिन तीसरे अंपायर की तरफ से अब हर तरफ से, तो हर डायमेंशन से एरोज देखे जाएंगे, कहाँ डिप करके जा रही है तमाम चीज़ें, और तीसरे अंपायर का इशारा। देखिए जिस तरीके से गेंद अगर डिप की बात भी करेंगे आसिम, तो जब कमर को क्रॉस कर रही है तो वहां पर गेंद थोड़ा सा डिप होती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में बिल्कुल नो बॉल नहीं होगा शायद यहाँ। 163 चार विकेटों के नुकसान पर बिल्कुल नो बॉल नहीं है, और अगली गेंद लीगल डिलीवरी, और इसे रिवर्स खेलने की कोशिश की थी इधर नाइट ने, कामयाबी नहीं मिली। एक रन दौड़कर पूरा किया, अच्छा खेलते हैं आप। 163 चार विकेटों के नुकसान पर 82.8 किलोमीटर की रफ्तार, हालांकि बहुत बहुत करीबी मामला था, और क्योंकि छोटे कद की खिलाड़ी हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट जो बल्लेबाजों को पहले मिला करता था, अब मैं देख रहा हूं धीरे धीरे बेचारों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई दुख की बात भी नहीं होनी चाहिए आसिम, क्योंकि एक मजदूर की तरह एक गेंदबाज नजर आता है क्रिकेट के खेल में। इस ओवर की अगली गेंद स्नेह राणा की राउंड द विकेट आते हुए, और इस गेंद को ऑन साइड में पुल करने के प्रयास में चूकी, डॉट डिलीवरी, एक रेयर डॉट डिलीवरी पिछले कुछ समय में यहां पर नजर आती हुई, और इस तरह से स्कोर अब 164 चार विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदे हैं, 38 रनों की आवश्यकता है। इस मुकाबले में अगर जीत दर्ज करनी है बैंगलोर को तो कुछ बड़ा करना होगा। अगली गेंद को स्वीप किया ऑन साइड में, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। आहूजा ने एक जोरदार चौका लगाया है, और इस चौके के साथ आहूजा जहां पहुंची 9 पर, आरसीबी 168 चार विकेट के नुकसान पर। अब गेंदे बची हैं 13, रन बनाने हैं 34, रिक्वायर्ड रेट 15.69 का। क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा? इस ओवर के आखिरी गेंद के साथ स्नेह राणा तैयार होते हुए सामना करेंगे आहूजा। ये गेंद, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में मिसफील्ड किया, जहां एक भी रन नहीं होना चाहिए था। एक रन आरसीबी के खाते में, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 169 रन चार विकेट के नुकसान पर। कप्तान स्नेह राणा का की जो उंगली है वो चोटिल है, और ऐसे में गेंद जाकर के फिर उसी उंगली पर टकराई, इसी वजह से मिसफील्ड हुआ दरअसल, और ऐसे में एक रन और बैंगलोर के खाते में। ये बहुत क्रूशल समय है इस मैच का, बेहद अहम पड़ाव अब आ चुका है, कहीं भी ये मुकाबला जा सकता है। 12 गेंदों पर 33 रन इत्मीनान से भी बनाए जा सकते हैं, और 12 गेंदों पर 33 रन डिफेंड भी किए जा सकते हैं। बहुत बैलेंस है ये मुकाबला, कहीं भी जा सकता है। बीच में लगा था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कहीं थोड़ी पिछड़ रही है, लेकिन अब मुकाबले में वापस आती हुई वो एक ओवर एनाबेल सदरलैंड का जिसमें 23 रन आए, और मैच का रुख इस वक्त पलटता हुआ नजर आ रहा है मुंबई में इस मुकाबले में। आप सभी मित्रों का बहुत स्वागत आपके अपने चैनल क्रिकेट अनफोल्ड पर। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली गेंद, और इस बार स्टंप आउट कर दी गई है कनिका आहूजा। एशले गार्डनर पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेलना चाहती थी आहूजा इस गेंद को, और गार्डनर ने इस गेंद की रफ्तार कम कर दी और गेंद को थोड़ी लंबाई भी कम कर दी, और ऐसे में बल्लेबाज पूरी तरह से चूक गई, गेंद चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, और एक आसान स्टंपिंग वहां पर सुषमा वर्मा के लिए। तो 5वां विकेट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का,
169 पर गिरता हुआ। अब 11 गेंदे हैं, 33 रनों की आवश्यकता और आने वाले बल्लेबाजों में कौन है ये हम देखते हैं। अब आने वाले बल्लेबाजों में श्रेयंका पाटिल हैं, पूनम भी हैं, तो देखना होगा कि अब संभवतः श्रेयंका पाटिल ही आएंगी बल्लेबाजी करने के लिए। श्रेयंका पाटिल एक बार फिर से ऐसी स्थिति में आएंगी जहां उन्हें तेज बल्लेबाजी करनी होगी, मजबूत स्ट्राइकिंग करनी होगी। ये मुकाबला एक एक रिक्त गेंदे, एक एक खाली गेंदे मुश्किल पैदा कर जाएगी बैंगलोर के लिए। लड़ाई लड़ी है, इसे फिनिश भी करना है बैंगलोर को, क्या फिनिश कर पाएंगे। हसमुख जी हमारे साथ हैं, डिम्पल सिंह हैं, प्रियंका प्रजापति हैं, अगले अब आ गई हैं बल्लेबाजी के लिए। खेमनार को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए, खेमनार जो कि आज टीम में उनको शामिल किया गया, मौका मिला है 169 पर 5। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को खेला मिड विकेट की तरफ, एक रन लेने का मौका। एक एक रन से मुश्किल आसान नहीं होने वाली है, 9 गेंदों पर 32 चाहिए। अब इन 3 गेंदों में कम से कम 2 बाउंड्रीज या फिर एक छक्का जरूर चाहिए। बहुत मुश्किल होता हुआ कनिका आहूजा जब बैटिंग करती हैं ऐसा लगता है सरफराज खान बैटिंग कर रहे हैं और उसी टेम्परमेंट से बैटिंग भी करते हैं। इस बीच इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेल दिया बल्लेबाज ने हीथर नाइट ने, एक रन के लिए। 9 गेंदों में 23 रन बनाकर बैटिंग करती हुई हीथर नाइट आकर उन्होंने पूरी कोशिश की, जबरदस्त अटैक किया और इस वक्त 8 गेंदों पर 31 रन। बैंगलोर कहीं इस फासले को पार पाने में सक्षम है या नहीं। इस बीच लेग स्टंप की लाइन में गेंद को खेल दिया लॉन्ग लेग की तरफ, एक बार फिर से सिंगल आता हुआ स्नेहराना मां फील्डिंग करती हुई और एक एक रन से कहानी जो है मजबूत नहीं हो पाएगी। और यही हो रहा है इस मैदान पर, अगर आपको तारीख रकम करनी, इतिहास लिखना है तो आज मौका है बैंगलोर के पास। ये गेंद ब्लॉक होल में थे और काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। हीथर नाइट ने हार नहीं मानी है, अब अंतिम ओवर में 24 रनों की जरूरत, छक्का मार ही दिया इस गेंद पर और इस चौक इस छक्के की मदद से स्कोर 178 5 विकेटों के नुकसान पर। 24 रन अंतिम ओवर, क्या लाजवाब ये मुकाबला। बस इस ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए खेमनार होंगी सामने बैटिंग करते हुए और क्या वो उस गेंद पर सिंगल लेने के लिए जाएंगी या फिर बड़े हिट के लिए जाएंगी, सवाल ये है, दिलचस्प है। क्योंकि दूसरी तरफ हीथर नाइट बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बहुत बढ़िया फॉर्म में, तो पूनम को क्या करना होगा, पूनम को सिंगल लेना होगा तो एक रन एक गेंद यानी 5 गेंदों पर फिर 25 रन चाहिए होंगे। यह है कहानी इस वक्त इस मुकाबले में। अंतिम ओवर तक पहुंच चुका है ये मैच, अंतिम 6 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत है। उजय अहमद कहते हैं कुवैत से सुन रहे हैं और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार पूनम खेमनार, दाएं हाथ की बल्लेबाज, सामने गेंदबाजी। अंतिम ओवर करेगा तो कौन, मीडियम पेसर स्पिन गेंदबाज कौन होगा, अंतिम ओवर कौन करेगा। 19वां ओवर तो एशले गार्डनर ने किया, अच्छा ओवर किया, अंतिम गेंद पर छक्का जरूर पड़ गया, लेकिन यह आखिरी ओवर लेकर आएगा कौन गेंदबाजी के लिए, क्या सदरलैंड है या फिर किम गार्थ है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए और इस गेंद को खेल दिया, स्कूप कर दिया, गेंद जा रही है और यह कैच आउट। स्नेह राणा ने घायल चोटिल हाथ से सदरलैंड की इस गेंद पर कैच किया और एक गेंद का नुकसान ही नहीं हुआ, हीथर नाइट का एक और नुकसान हुआ क्योंकि उनको स्ट्राइक नहीं मिलेगी एक बार। बिल्कुल सही बात है, खेमनार ने जिस तरीके का शॉट अटेम्प्ट किया था, स्कूप करना चाहती थी फाइन लेग पर, अटेम्प्ट अच्छा था क्योंकि फाइन लेग 30 गज के दायरे के अंदर था, अगर गेंद सही ढंग से बल्ले पर चढ़ जाती तो सिर्फ वहां पर चौका मिल जाता, लेकिन वहां पर वो कामयाब कोशिश नहीं हो पाई और ऐसे में विकेट गिर गया है इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 178 अब 6 विकेट के नुकसान पर। पूनम खेमनार आउट होकर के वापस जा रही हैं और अब नए बल्लेबाज आएंगे, श्रेयंका पाटिल जो कि बल्लेबाजी कर सकती हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर सकती हैं। तो दिक्कतें लगातार बैंगलोर की बढ़ती हुई नजर आ रही है इस मुकाबले में। अब यहां से 5 गेंदों पर 24 रन बनाने होंगे, यानी कि अब चौके और छक्कों की भाषा में लगातार बात करनी होगी। 5 चौके भी लग जाएं तब भी मुकाबला नहीं जीत पाएंगे ये, अगर छक्के नहीं लगे तो ये मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथ से फिसलता हुआ नजर आएगा। श्रेयंका पाटिल नए बल्लेबाज मैदान पर, सामना करेंगी वो सदरलैंड का
एनाबेल सदरलैंड ने एक ओवर में 23 रन दिए, लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान ने उन पर भरोसा दिखाया है और पहली गेंद पर उन्होंने विकेट प्राप्त कर लिया है। एनाबेल सदरलैंड इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ तैयार होती हुई सामना करेंगी श्रेयंका पाटिल। मैदान के चारों तरफ अपने निगाहों को तैराती हुई देख रही हैं मैदान के चारों तरफ कि आखिर शॉट कहां लगा सकते हैं। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन थोड़ा वाइडिश है, मिड विकेट बाउंड्री पर है और एक खिलाड़ी को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर तैनात किया गया है। इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ एनाबेल सदरलैंड दाहिने हाथ से राउंड द विकेट प्रियंका के लिए गेंद, और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया ऑफ साइड में, लेकिन मिड ऑफ पर बेहतरीन फील्डिंग कप्तान स्नेह राणा के द्वारा, शर्तिया चौका बचाया उन्होंने। हालांकि एक अच्छी बात आरसीबी के लिए हुई है कि हीथर नाइट को स्ट्राइक मिल गई है आसिम। बिल्कुल हीथर नाइट को, लेकिन इस स्ट्राइक के चलते दो गेंदें जो हैं वो एक तरह से जाया हुई हैं, और यही होता है कि जब पिछले 19वें ओवर की आखिरी गेंद होती है सेट बल्लेबाज के सामने यही चैलेंज होता है कि मैं सिंगल लूँ कि छक्का मारूँ। 4 गेंदों पर 23 यानी 4 गेंदों पर 4 छक्के, बस साफ कहानी, यही स्टैट, 4 छक्के मारिए हीथर नाइट, टीम जीतेगी। पहली गेंद फुल टॉस थी, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला, कोई रन, क्या रन लिया गया या फिर नहीं, एक रन लिया हीथर नाइट। अब 3 गेंदों में 22 रन, तो बैंगलोर ने लड़ाई लड़ते लड़ते अब घुटने टेकने शुरू कर दिए। अब 3 गेंदों में 22 रन, 3 छक्के भी पड़े, अगर नो बॉल आई तो हो सकता है, हालांकि ऐसे हालात में गेंदबाज सदरलैंड अगर नो बॉल करती हैं और उस पर छक्का पड़ता है तो फिर कहानी कुछ भी हो सकती है। आज इस मुकाबले में क्या बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया गुजरात जाइंट्स, अपनी पहली जीत के बेहद करीब। क्या होगा ये 3 गेंदें, क्या ग्लोरी शॉट लगेंगे इस पर, ये गेंद और इस हवा में शॉट, आउट होने का खतरा, श्रेयंका पाटिल छक्का। क्या बढ़िया टैलेंट है इस खिलाड़ी के अंदर, ऑफ स्टंप के बाहर शफल करते हुए घुटना टेक मीडियम पेसर को पहुंचा दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए। और छक्का किसको मारा है, एनाबेल सदरलैंड को, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी गेंदबाजों में से गिनी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का खासा तजुर्बा इनके पास है, लेकिन उनको छक्का जड़ दिया एक नौसिखिया खिलाड़ी ने। बिल्कुल नौसिखिया, 20 साल की उम्र की यह खिलाड़ी, कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा ऐसे खेल का मुजाहरा अगर ये उभरते हुए खिलाड़ी करेंगे, जिनमें कलिता का भी नाम है, इनका नाम है। और एक बार फिर से पुल किया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, एक टप्पे के बाद 4 रन, हारी है बाजी, लेकिन हिम्मत हौसला नहीं हारा। क्या बल्लेबाजी है, इन गुजरते हुए हारते हुए लम्हों में भी बल्ले का जो प्यार है गेंद के लिए वो कम नहीं हुआ है। ये पता है कि बिछड़ जाएंगे, लेकिन आखिरी पल तक प्यार, वो मोहब्बत कायम है। बिल्कुल सही बात है, ये वही वाली कहानी हो गई टाइटैनिक, आपने बता दिया आसिम एक लाइन में कि पता है बिछड़ जाएंगे लेकिन वो मोहब्बत कम नहीं, और यही कहानी यहाँ पर नजर आती हुई। आखिरी गेंद का आना बाकी है और इस आखिरी गेंद पर मुकाबला जीतने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बनाने हैं 12 रन। 12 रन का कोई शॉट होता नहीं है, अगर नो बॉल ना हो तो यह मुकाबला बैंगलोर की टीम हार चुकी है। आखिरी गेंद इस मुकाबले की एनाबेल सदरलैंड की, ऑफ स्टंप के बाहर यह गेंद, बीट हुई बल्लेबाज और इसके साथ ही यह मुकाबला समाप्त। गुजरात जायंट्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है 11 रनों से। यह मुकाबला जीतकर गुजरात जायंट्स ने स्कोरबोर्ड पर 2 अंक टांग दिए, लेकिन निराशा हाथ लगी एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, जिनका खेमा बड़ा मजबूत है। टीम डायरेक्टर, कोच, मेंटोर, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, हर तरह के कोचेज हैं, लेकिन टीम के मुजाहरे को अभी तक बेहतर नहीं कर पाए हैं। बहरहाल इसी के साथ कि गुजरात ने जीत दर्ज की है, हम यहां से विदा चाहेंगे। सुबह 9:15 इकबाल स्पोर्ट्स पर सुनना मत भूलिएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4th टेस्ट मैच के पहले दिन के आंखों देखे हाल का विवरण। तब तक के लिए हमें इजाजत दें, शुभ रात्रि, जय हिंद।